हेलो हाँ जी, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबने राम राम एंड नमस्कार। सो आई होप एवरीवन इज फिट एंड फाइन और सब आराम से पेपर देके आ गए होंगे। अब तो ये भी नहीं कह सकते कि तैयारी अच्छी चल रही है। क्या चल रहा है? पेपर हो चुका है हमारा, इतने दिन से इस चीज के लिए अपन मेहनत कर रहे थे। ठीक है, आज आपका पेपर हो भी गया है। कल मैंने एक पोस्ट डाली थी कि 90% क्वेश्चन इन द एचसीएस 2021 अपनी अकेडमी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो काफी लोग उस पे क्वेश्चन मार्क उठा रहे थे। कह रहे थे सर झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। एंड मुझे पता था कि भाई इस टाइप के भी कमेंट्स आते हैं, बिकॉज पीपल डू नॉट बिलीव कि व्हाट कैन बी डन अंटिल इट इज डन। तो उसी में से मैंने आज अपना पूरा दिन लगा के पूरा कंप्लीट एनालिसिस, हमने जो जो क्लासेस ली, ल्यूसेंट की क्लासेस हो गई, केजीएफ की आपकी क्लासेस हो गई, फिर लास्ट में मैराथन की क्लासेस हो गई, प्लस हमारे जो क्लासरूम के नोट्स वगैरह थे, सारा पूरा का पूरा एनालिसिस करके एक 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 क्वेश्चन मैंने एनालाइज किया। एंड देन आई फाउंड आउट 86 क्वेश्चंस, 86 आउट ऑफ 100 वर डायरेक्टली फ्रॉम अवर नोट्स, जो मैं मतलब आपको पढ़ाया गया था किसी न किसी तरीके से सीधे सीधे, और कैसे उनको सोल्व किया जा सकता था एग्जाम में। देखो 86 आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 86 ही करेक्ट होने चाहिए। एग्जामिनेशन इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। हम बात कर रहे थे कि भाई 86 हमारे डायरेक्टली आए हैं और सात हमारे इनडायरेक्टली आए, और सात ऐसे क्वेश्चन थे जिनके बारे में हमने बात नहीं करी थी, तो वो भी नेचुरल होता है। मेरी एक्सपेक्टेशंस 80 प्लस की थी, 86 तक अपन पहुंचे। प्रिलिमिनरी थोड़ा सा डाइसी रहता है, इसमें कुछ भी कहना मुश्किल होता है कि भाई हो सकता है कि 50 भी नहीं आते, बट ऐसा सब पेपर आया भी। जैसा हम क्लास में डिस्कस करते थे, जिन क्वेश्चंस पर मैं बार बार आप लोगों को बताता था कि इस पे फोकस करो, ऐसे पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा, सेम उसी पैटर्न में, यूपीएससी के पैटर्न में सारा का सारा पूछा गया। कंप्लीट वही जो क्वेश्चन मैंने आपको बोले थे, अभी आज वाले पेपर में मैं आपको बताऊंगा कैसे हम क्लास में डिस्कस करते थे कि ये चीज ऐसे पूछी जाएगी और वो वैसे ही आपके एग्जाम में पूछी गई। डायरेक्टली सिंगल लाइनर सवाल थे हमारी राउडी से भी और हमारी मैराथन क्लासेस से भी, वहां से भी काफी बच्चों ने ज्वाइन करके आपका फायदा भी उठाया था, तो उन लोगों को भी काफी हेल्प मिली एग्जाम में। एंड आई होप सबका पेपर भी अच्छा हो गया होगा। एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, पेपर इजी नहीं था। जैसा सब लोगों को एक फर्स्ट इंस्टेंस में देखने को लगता है, हरियाणा सिविल सर्विसेज के हिस्ट्री में पहली बार ऐसा पेपर था। यूपीएससी के पैटर्न पे ऑलमोस्ट सेम वही तरीके से आपसे सवाल पूछे गए थे, तो पहली बार तो देख के मुझे भी ऐसा लगा था कि भाई पेपर इजी होगा, बट पेपर वॉज नॉट इजी, पेपर वॉज ट्रिकी। ठीक है, अलग अलग तरीके से आपसे अलग अलग चीजें पूछी गई थी। आज हम सारे के सारे इसमें बात करेंगे, आपके आंसर की रहेगी, कट ऑफ रहेगा, लाइव डिस्कशन तो ये है ही। कोई भी इश्यू रहता है किसी भी सवाल में आप मुझे बाद में बता सकते हैं, मैंने अपनी तरफ से जो भी सवाल बताए हैं वो उसी के हिसाब से रहेंगे। एंड ये तो मैंने आपको बता ही दिया है 86 डायरेक्टली, ये मैं आपको दिखाई दूंगा कि कैसे उसमें से थे और वही अपन डिस्कस करेंगे आज। तो यही आज हमारा क्लास है कि भाई हम देखो, इट ऑलवेज सीम इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन, सो इट इज डन टुडे, सो दैट इज द रीजन आई एम टॉकिंग स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू कि हमने ये करके दिखाया है। ठीक है, ये कोई हवा में बातें नहीं हो रही है, सारे की सारी चीजें जो आपके थी, और फिर एक जो बात होती है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो ये तो सारी चीजें चलती रहती हैं लाइफ में। आपको पॉजिटिव नेगेटिव आप कुछ भी करेंगे तो आपको सुनने को मिलेगा ही मिलेगा, यही चलता है लाइफ में। ठीक है, तो इसको अपने को नहीं देखना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना पेपर दे दिया है, कंप्लीट कर लिया है। आप एक जर्नी से गुजरे हैं, आपने पूरी मेहनत करी थी, आप उस दिन पेपर दे के आए, पूरा स्ट्रेसफुल माहौल रहता है, उस स्ट्रेसफुल कंडीशन में पेपर सोल्व करना इज एंटायरली मतलब काफी डिफिकल्ट हो जाता है। पहले मैं आपको दो चीजें बता देता हूं, हमारा जो नया बैच आपका शुरू करने वाले हैं एचसीएस मेंस 2021 का 300 टॉपिक कंप्लीट जीएस बैच, एक्सक्लूसिवली जीएस बैच, जो जीएस आपकी 200 मार्क्स की रहती है, उसके बारे में मैं बताऊंगा आफ्टर द पेपर डिस्कशन। सेकंड जो है आपका न्यू बैच फॉर सोशियोलॉजी ऑप्शनल, दोनों के दोनों बैचेस मैं ही लूंगा, सारे के सारे कंप्लीट जीएस, जैसे राउडी में आपकी थी या फिर मैराथन क्लासेस में मैंने ही ली थी, तो यहाँ पे भी सारे के सारे क्लासेस आपकी मैं ही लूंगा, कंप्लीट जीएस की भी और सोशियोलॉजी ऑप्शनल की भी। मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी ही था इन बोथ यूपीएससी एंड एचसीएस। एंड बिफोर स्टार्टिंग ये आपको बता देते हैं, दो मेंस के हो ही गए हैं, दोस्त जिन्होंने पहले से ही ज्वाइन कर रखा है दे नीड नॉट टू वरी, जो नए स्टूडेंट्स हैं दोस्त वांट टू ज्वाइन, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, और सारी की सारी डिटेल एट द एंड ऑफ द वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि भाई क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। नाउ लेट अस स्टार्ट द पेपर डिस्कशन। और मैं कमेंट वगैरह नहीं देख रहा हूं, तो आप कुछ भी कमेंट करते हैं तो मैं उसको सी नहीं करूंगा, पेपर डिस्कशन अपना चलता रहेगा। कोई भी आवाज से संबंधित कोई इश्यू होते हैं तो वो मैं देख लूंगा उससे संबंधित, अदरवाइज
नो कमेंट विल बी एड्रेस्ड ड्यूरिंग द पेपर डिस्कशन. आराम से पेपर डिस्कस करते हैं. रियल टाइम में बताऊंगा. ये सवाल की कैटेगरी भी मैंने सारे के सारे बना लिए हैं कि भाई इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में डालेंगे या फिर मीडियम की या फिर हार्ड की, और उसी के बेसिस पे ही हम एक कट ऑफ को प्रेडिक्ट करेंगे कि भाई इतने अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, मेरे हिसाब से हो सकता है वो गलत हो सकती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, वी आर ऑल ह्यूमंस, बट इन द पास्ट सिक्स ईयर्स जो कट ऑफ मैंने और हमारे दोस्तों ने प्रेडिक्ट की है इन बोथ यूपीएससी एंड एचसीएस, आज तक की हिस्ट्री में कभी गलत नहीं हुई है, बट देर आर ऑलवेज द चांसेस कि वो गलत हो सकती है, तो उसको भी मैं मना नहीं कर रहा हूं. बट हमारी तरफ से जो कट ऑफ हो सकती है कि भाई अब स्टूडेंट्स को मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर आपके मार्क्स उस कट ऑफ से ऊपर बन रहे हैं तो, ठीक है. अगर कम में भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन डू, ठीक है. वो तो सबसे बेस्ट है कि भाई जैसे ही आपका पेपर खत्म हो विद इन वन और टू डेज टेक योर रेस्ट एंड स्टार्ट योर मेंस प्रिपरेशन एज सून एज पॉसिबल. नाउ लेट अस स्टार्ट. देखो ये है सेट नंबर थ्री. तो इसमें हम बता देते हैं, जैसे ये पहला सवाल आपसे पूछा गया था कि भाई ये गैबोर सीजियो प्राइस जो है वैसे ही ये करंट में न्यूज में रहता है, हमने इसको डिस्कस नहीं किया था क्लासेस में, डिस्कशन में नहीं आया था ये. तो इसमें देखो ये मेन बात क्या थी, एक तो जो रेगुलर करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि मैथ्स के लिए दिया जाता है, प्लस अभी रिसेंटली अपना एक इंडियन को दिया गया था, प्लस हर दो साल में दिया जाता है. देखो एलिमिनेशन टेक्निक बहुत ही ज्यादा काम में आई है यहाँ पे, आप अगर देखेंगे तो कैसे, अगर आप जैसे ही एवरी ईयर की जगह टू इयर्स करते हैं यानी ऑप्शन टू आप एलिमिनेट करते हैं, टू गया टू गया टू गया, आंसर इज ए. तो यही मैं बताऊंगा कि पेपर अपन कैसे एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व कर सकते थे, ठीक है. तो इसका आंसर रहेगा ए, क्योंकि ये हर दो साल में दिया जाता है, दो को हटाते ही आपका एलिमिनेट होके ऑब्वियसली आंसर आ जाता है ए, सिंपल ये आपका आंसर रहेगा. बट ये क्वेश्चन किस कैटेगरी का है, हार्ड की कैटेगरी का, इसको जनरल आदमी सॉल्व नहीं कर सकता, जो प्रिपरेशन में भी लगा हुआ है वो सॉल्व नहीं कर सकता. इट कम्स अंडर द हार्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस. सारे के सारे हर क्वेश्चन की कैटेगरी पे मैं बताता हुआ चलूंगा, उसी के हिसाब से चलेंगे. तो ये हार्ड क्वेश्चन था आपका, इजी नहीं है, करंट अफेयर के क्वेश्चन इजी नहीं थे, ये मान के चले 50% क्वेश्चन हार्ड ही थे. सो ये हमारे नोट्स में से नहीं था, ठीक है. सेकंड क्वेश्चन करंट अफेयर में स्टेबल बर्न में बार बार न्यूज में रहता है, ये करवाया हुआ था. तो यहाँ पे आपका आता है कि भाई लोकूर कमेटी आपका स्टेबल बर्निंग के लिए है, सिंपल क्वेश्चन, इसको आप कर सकते हैं. और इसको अगर अपन कैटेगरी रखें मीडियम कैटेगरी में मैं रख रहा हूं, क्योंकि कुछ लोगों को याद नहीं आती है ऐसी चीजें, एग्जामिनेशन हॉल का जो डायरेक्ट प्रेशर रहता है, चीज इजी लगती है देखने में बट स्टिल वो चीज याद नहीं आती हमें, तो उसके हिसाब से आई विल पुट इट इनटू मीडियम. जो इजी इजी वाले वो है जो देखते ही बिल्कुल हो जाएंगे, उसमें गलती होने की संभावना नहीं होती. मीडियम में वो है जिसमें 50-50% चांसेस रहते हैं कि 50% स्टूडेंट उसको ठीक करेंगे, 50% स्टूडेंट वो रहेंगे जो ठीक नहीं कर पाएंगे. तो ये आपका सेकंड का आंसर रहेगा बी. थर्ड जो जीएसटी वाला है, ये हमारे इकोनॉमी नोट्स में मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में करवाया था. इसमें जैसे ही देखो पहले में क्या है, ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स, पहले को जैसे ही आप लेते हैं तो आपके पास रहता है 2-3-4 बचता है, और 2 और 3 बचता है. फोर्थ क्या है, जीएसटी इज लेवेड एट द रेट डिसाइडेड बाय जीएसटी काउंसिल, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट. तो आंसर इसका क्या रहेगा, 2-3-4 C इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. और इसको भी अपन जीएसटी में थोड़ा सा वो हो जाता है, तो ये मीडियम कैटेगरी के क्वेश्चंस में अपन रखेंगे. देन हमारा आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बजट, पीएम कुसुम. कुसुम मैंने आपको डायरेक्टली याद करवाया था कि कुसुम कहां खड़ी हुई है, खेत में खड़ी हुई है, और उसके बगल में क्या लगा हुआ है, सोलर प्लांट. तो ये हमारा जो पहला ऑप्शन है कि सोलर एनर्जी केरोसिन और इसके जो पंप है उसको अपन सोलर में रखेंगे. तो ये मैं कहूंगा कि ये एक इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, सीधा देखते ही आप लोग टिक कर सकते हैं. द आंसर इज ए, पीएम कुसुम हमने याद किया था, मैराथन क्लासेस में भी आपका करवाया गया था, ठीक है. आरबीआई, आरबीआई वाला क्वेश्चन था ये, हमने देखा था इकोनॉमिक नोट्स, मैराथन क्लासेस में करवाया था. सीआरआर एसएलआर ये कॉमन क्वेश्चन है, सब लोग करते ही हैं इन क्वेश्चंस को. तो ये डायरेक्टली भाई आरबीआई के पास क्या रखते हैं, कैश, मैंने ऐसे याद करवाया था. और लिक्विडिटी कहां पे होती है, बैंक के खुद के पास. तो इसका आंसर क्या रहेगा अपना, कैश रिजर्व रेशियो. क्वेश्चन नंबर 6, ये हमने बार बार डिस्कस किया हुआ है अपन ने क्लासेस में बहुत बार कि डेट ट्रैप, जैसे इकोनॉमी चाइना की इकोनॉमी जो है डेट ट्रैप की पॉलिसी करती है. डेट ट्रैप क्या होता है, जब आप अपना इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पाते उस चक्र में जब आप फंस जाते हैं. तो यहाँ पे आपका रहेगा कि बोरो मनी टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट ऑन आउटस्टैंडिंग, ये आपका आंसर रहेगा बी. ये भी आपका इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, इजी में ही रखेंगे क्योंकि डेट ट्रैप लगभग सारे स्टूडेंट्स को पता होता है. तो ये कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं इसको नहीं रखूंगा. फिर हमारा आ रहा है रॉयत वाड़ी, ये हमने बार बार डिस्कस किया, तीनों मैंने आपको करवाए हुए थे, परमानेंट सेटलमेंट, रॉयत वाड़ी और वो सब, सब लोग करते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है. हमारे जितने भी सोर्सेस हमने फॉलो किए हैं उसी में से ही सारे थे, ठीक है. अब देखो रॉयत वाड़ी सारा बताया था, रॉयत्स होते हैं जिनसे डायरेक्टली यहाँ पे आपका लिया जाता है. सो आंसर क्या रहेगा, फार्मर पेड डायरेक्टली टैक्सेस टू द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट, सिंपल. और हमने क्या देखा था कि जो इसमें एरिया होता है रॉयत वाड़ी में सबसे मैक्सिमम होता है आपका, ठीक है. तो ये हमारा रहेगा आंसर विल बी सी, रॉयत वाड़ी, सीधे सीधे सवाल है.
ये भी आपका इजी कैटेगरी का क्वेश्चन रहेगा, तो इसको भी इजी कैटेगरी में ही रखेंगे अपन। फिर हमारा आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखो फाइव ईयर प्लान। जब अपन फाइव ईयर प्लान डिस्कस कर रहे थे, मैंने आप लोगों को करवाया था कि भाई जो लास्ट में 1960s के जो लास्ट में हमने सिंगल प्लान बनाए थे, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं रहे थे, क्योंकि ये अपना इंडो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट या फिर ये सब चल ही रहा था। बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट ये है कि यहाँ पे इरेज्ड जो लिखा हुआ है कि खत्म कर दिए, अब इसको अगर एसपीएससी कंप्लीटली इरेज्ड मानती है तो ऑप्शन बी यानी नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन जा सकता है। बट इसको अगर जनरल सेंस में लेके चलती है कि नहीं नहीं खत्म कर दिए थे इसलिए नहीं कर पाए, तो जनरल सेंस में अगर अपन जाएंगे तो आंसर ए भी हो सकता है। ये एक अकेला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैं कंप्लीट श्योर नहीं हूं कि क्या एचपीएससी की तरफ से जाएगा, ए भी जा सकता है, बी भी जा सकता है, बोथ आर इक्वली, क्योंकि ये वर्ड ही यहां पे ऐसा यूज किया हुआ है इरेज्ड। ठीक है, तो इसको अपन किस कैटेगरी में रखेंगे, मीडियम की कैटेगरी में, जस्ट बिकॉज कि भाई इस वजह से ये हमारा फाइव ईयर प्लान में डायरेक्टली सारा का सारा मैंने आपको करवाया हुआ था, वहीं पे था फाइव ईयर प्लान, मैंने सबको श्योर भी किया हुआ है। फिर आपका रहा खरीफ क्रॉप ईयर, मैंने इतनी बार आप लोगों को बताया है रबी वाली याद रखो, खरीफ वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। पिछली बार भी दो बार खरीफ पूछा गया था, इस बार भी ये दोबारा से खरीफ खरीफ पूछा गया था। हमने कैसे एलिमिनेट किया, हमें पता है वीट हमारी उसमें नहीं होती, मस्टर्ड हमारी नहीं होती, ये सारे के सारे सर्दी के टाइम पे उगा जाते हैं और हमारे वैसे लिए जाते हैं। इसमें आपकी एलिमिनेशन टेक्निक काम आएगी, जैसे ही आपने वन को एलिमिनेट किया, ठीक है, तो वन हटा दो भाई, यहां से हटा दिया, यहां से हटा दिया, फिर ये बचा ये बचा, तो इसमें फिर अपन मस्टर्ड भी हटा देते हैं, थ्री थ्री आपका यहाँ है तो ये हटा। तो आंसर इज बी, बी मतलब हमारी सेकंड पैडी आपकी आएगी और फिर हमारा ग्राउंड नट आएगा और मेज आएगा। आंसर इज बी सिंपल, जिसको सिर्फ इतना भी पता है कि वीट और मस्टर्ड, गेहूं और सरसों हम कब उगाते हैं, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट, सर्दी के टाइम पे। तो ये हमारी कौन सी रबी की क्रॉप हो जाएंगी, बार बार क्लास में ये करवाया हुआ है, राउडी में भी और वैसे भी अपन ने आराम से डिस्कस किया था। तो ये क्वेश्चन आपका रहेगा इजी कैटेगरी का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 पे अपन आते हैं, कन्वेंशनली वॉशिंग ऑफ द बिल्डिंग में जो यूज किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट वेपन मिक्स करके करते हैं, देखने में इजी सवाल लगता है बट इसमें इतनी सारी स्टेटमेंट्स थी कि मैं इसको हार्ड की कैटेगरी का ही मानूंगा, क्योंकि कहीं भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है तो इस सवाल के रियल टाइम एग्जामिनेशन हॉल में गलत होने के चांसेस अपने बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मुश्किल कैटेगरी के सवाल में ही रहेगा, हार्ड में ही, इट इज नॉट इजी टू सॉल्व, जिसने बहुत ज्यादा डिटेल में साइंस कर रखी है और जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो भी गलत करके आए होंगे इस सवाल को, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। तो इसमें जो आपका आंसर है वो आपका आंसर है सी यानी 2, 3, 4 जो हमारा पहला है। ठीक है, तो वो अपना इसमें आंसर नहीं रहेगा, 1, 2, 4 सॉरी 1, 2, 4। ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट इसमें अपन यूज नहीं करते हैं, फ्लाई ऐश यूज करी जाती है तो ये इसमें यूज नहीं करेगा। तो बाकी सारे ठीक है, क्विक लाइम भी हो गया, कैल्शियम कार्बाइड से भी आपका बनता है, ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं, एंड स्लैग लाइम इसको बाद में बोला जाता है। तो आंसर रहेगा 1, 2, 4 आपका और 3 नहीं रहेगा। ठीक है, पोर्टलैंड बता देंगे, तो आंसर इज सी, ये हार्ड कैटेगरी का आपका सवाल रहेगा। वॉशिंग सोडा हमने बार बार बहुत डिटेल में मैंने आपको याद भी करवाया था कि कैल्शियम बायकार्बोनेट जो है आपका बी फॉर बायकार्बोनेट, बी फॉर बेकिंग, ये अपन ने राउडी में भी किया था और सब अपन ने मैराथन में भी इसको किया था वॉशिंग सोडा को। तो यहाँ पे आपको जैसे बेकिंग हटाते हो कि यूज फॉर बेकिंग, बेकिंग के लिए तब क्या रहता है, सोडियम बायकार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा, तीन को जैसे ही मैंने हटाया ये गया, तो एलिमिनेट करने से सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अगर आपको यही स्टेटमेंट पता है, स्टेटमेंट नंबर 3, मेरे को सारी स्टेटमेंट पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। यही ब्यूटी थी इस एग्जाम की कि भाई आपको सब कुछ पता नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज है अगर वो भी पता है तो आप इजीली कर सकते हैं। बट ये सारी चीजें इजी कब लगती हैं, जब हम एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आ जाते हैं उस टाइम पे ऐसा लगता है कि यार ये स्टेटमेंट नहीं पता, ये नहीं पता, ये नहीं पता, जबकि मैंने बार बार आपको बताया था कि हमेशा एक स्टेटमेंट यूपीएससी में जिस तरीके से होता है सेम आपका वही चल रहा था। तो जैसे ही हमने 3 हटाया तो 3 हटाते ही अपना क्या आ रहा है आंसर, बी, बी इज द करेक्ट आंसर, हमें और कुछ पढ़ना ही नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली राउडी में करवाया था, ये चारों ऑप्शन देखे कि भाई ये क्या रहेंगे, तो ऑल ऑफ द अबव, ये सारे के सारे गैस्ट्रिक और ये कॉफी पीते ही आपको वो हो जाता है, तो ये सारे के सारे अपने रहेंगे, लिक्विड आपको पता है एसिड यूज होते हैं उसमें, तो ये हो जाएगा। ये अपना डायरेक्टली राउडी मैराथन क्लासेस में अपन ने डिस्कस किया था, बेस्ट कंडक्टर या फिर मेलिएबल, ये सारे अपन ने डिस्कस कर रहे थे। तो ये सीधा सीधा सा सवाल है, इजी की कैटेगरी का ये सवाल रहेगा अपना। ठीक है, इससे पहले वाला जो वॉशिंग सोडा वाला सवाल है वो मीडियम कैटेगरी में मैं रखना चाहूंगा और उसके बाद ये जो है हमारा ये आपका इजी की कैटेगरी का सवाल रहेगा। ठीक है, तो ये अपना बी आंसर रह जाएगा, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर, सबको पता है सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। फिर हमारा आता है सोनार, देखो सोनार वाला जो क्वेश्चन है इट इज इजी। ठीक है, बट उसके एग्जामिनेशन हॉल के हिसाब से अगर अपन देखें, देखो ये चीज आपको पढ़ाई हुई थी, आप अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करते हैं, स्पीड अलग अलग होती है, हमने बार बार देखा था एयर और इसमें राउडी में अपन ने आराम से किया भी था, रिफ्लेक्ट होकर आ जाते हैं सोनार, रडार, लिडार सब देख रखे थे। तो ये आपका जैसे ही आप इसको करते हो कि स्पीड इसमें लिखा हुआ है सेम, ये एक कॉमन सा कंसेप्ट है कि भाई स्पीड सेम नहीं होती है, स्पीड आपका एयर में ज्यादा होगा मतलब एज कंपेयर टू आपका लिक्विड, सॉरी लिक्विड में ज्यादा होती है ना,
तो लिक्विड में ज्यादा रहेगा, तो ऐसे अपन चलेंगे। तो ये अपना इस हिसाब से जैसे ही आप इसमें दो हटा देते हो, दो हटाया थ्री ओनली या फिर वन और थ्री, वन क्या है इट यूजेज अल्ट्रासोनिक वेव्स, ऐसे ही एग्जाम में प्रोसीड करना होता है कि इट यूजेज यस तो इट्स राइट, आंसर इज बी वन एंड थ्री, यानी बॉटम से रिफ्लेक्ट होकर आते हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब हम आते हैं 15th पे, ये साइंस का थोड़ा सा डीप कैटेगरी का सवाल हुआ था, इसको मैंने मीडियम में रखा है, नॉर्मल जो साइंस के स्टूडेंट है वो इसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट ये अपने जैसे कोलराबी डिस्कस किया हुआ है कि भाई राइस वाटर स्टूल्स आते हैं, जैसे आप 2 पे डी को मार्क करते हैं, देखो 2 पे डी यानी कोलराबी को पता है कि राइस वाटर स्टूल, क्योंकि बच्चों में होता है रोटा वायरस, आपको बार बार मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, अपन ने राउडी में भी डिस्कस मतलब ये डिस्कस करे हुए हैं, जिनमें थोड़ा सा डाउट है कि यार ये हमने कराया नहीं कराया उन्हें, ये जो जनरल क्वेश्चन है ये हमने बार बार कर रखे हैं, तो जैसे ही आप देखो डी से आते हैं 2 पे डी, 2 पे डी कहां है, 2 पे डी सिर्फ और सिर्फ बी में है, तो आपको सारे पता होने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक भी आपको पता है तो यू कैन इजिली गेस द आंसर और आपका आंसर ठीक ही रहेगा, तो आपको इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा 2 से डी, तो ये अपना आंसर क्या रहेगा, बी आंसर रहेगा, ठीक है। क्वालिटी तो सारी की सारी मैंने आपको एक 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 स्टेटमेंट सारी करवाई हुई है, तो ये भी अपन ने करा था राइट टू वोट, लीगल राइट और नॉट, ये सारे वैसे ही करवाए थे क्लास में, ऐसे ही मैं आपको करवाता था कि लीगल है फंडामेंटल है क्या है, तो ये सब अपन ने देखे ही थे, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल है क्या नहीं है, क्या लीगल है क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है क्या, इसी फॉर्मेट में ही अपन चलते थे। तो पर राइट टू वोट अब अपना इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट, यस 325-326 में आता है फंडामेंटल है नहीं, राइट टू प्रॉपर्टी नॉट अ फंडामेंटल राइट, यस वी नो, ये 301A में है, तो आपका आंसर किया गया था 44th। अगर आपको मान लेते हैं 44th भी नहीं पता है, ये सारे हमारे नोट्स में थे, 44th भी नहीं पता है, ये तो मैंने राहुल जो आपकी मैराथन क्लासेस है उसमें भी सारा एज इट इज करवाया ही था, ठीक है। आर्टिकल 301 देखो, आर्टिकल 301 होता है फ्रीडम फ्री मूवमेंट और उसके लिए, बट अगर आपका मान लो 301A है, ये तो आपको पता है कि अगर 300A आपका राइट टू प्रॉपर्टी है, क्योंकि हमने कर रखा है 31 को डिलीट करके 300A किया था, अगर ये स्टेटमेंट ठीक है तो चार गलत हो जाएगी, जैसे ही आप चार का हटाते हो ये हटा दिया ये हटा दिया ये हटा दिया, एलिमिनेट हो गए तीन ऑप्शन, बचा क्या 1, 2, 3, अगर आपको ये नहीं भी बताया तो ऑटोमेटिकली वो स्टेटमेंट अपनी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। आया हो तो आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, तो ये अपने को ध्यान रखना है। 44th अगर नहीं भी पता है तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि 301A में राइट टू प्रॉपर्टी है तो 301 तो वो नहीं हो सकता, यानी ये स्टेटमेंट और ये कॉन्ट्राडिक्टी करेंगे, या तो ये सही है या ये सही है, अगर अपने को ये पता है तो ऑब्वियसली ये अपने बार बार करा हुआ है कि 301A में हमारा राइट टू प्रॉपर्टी बाद में अमेंड करके डाला गया था, ये नहीं भी पता तो भी अपन कर पा रहे हैं एलिमिनेट करके, आंसर इज बी। फिर अपना 16th के बाद आ रहा है, 16th को अपन रखेंगे इजी की कैटेगरी में, देखो पॉलिटी वाले क्वेश्चन मैंने इजी की कैटेगरी में रखे हुए हैं क्योंकि वो हमने बार बार बहुत बार किए हुए हैं, ठीक है, तो वो इजी की कैटेगरी का ही रखेंगे, कुछ लोगों को हो सकता है वो मीडियम कैटेगरी का लगे, बट मेरे हिसाब से इजी कैटेगरी रख के ही मैं कर रहा हूं। 17th कौन सा, ये मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे थे कि भाई नेहरू ने किए थे, तो नेहरू ये पहला ही ऑप्शन आ गया, बट कुछ नॉट करेक्ट, सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है, या तो नेहरू ने किया होंगे या फिर भीमराव अंबेडकर ने, तो ये हमने बार बार देख ही रखा है कि वो नेहरू ने लेट डाउन किए थे, वहीं से ही अपने सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स और वो निकाले गए, तो ऑप्शन ए अगर करेक्ट है तो दो गलत हो गया, जैसे ही दो गलत हुआ नॉट करेक्ट पूछा है तो आंसर इज बी सिंपल, आपको सी और डी पढ़ने की ही जरूरत नहीं है, वन और टू ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, यानी इन दोनों में से एक ही ठीक हो सकती है, और नेहरू ने किया है तो ऑब्वियसली फिर डी आपका रहेगा। फिर ये आर्टिकल 21 मैंने बार बार बताया, पर्सनल लिबर्टी आप नहीं ले सकते एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और उसमें अपन ने देखा भी था कि हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरफ भी जा रहे हैं, बट यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, मेंशनड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा क्या मेंशन है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, तो आपको इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सी यानी प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, इसको भी मैं इजी की ही कैटेगरी में रखूंगा, ठीक है, बट हाँ सॉरी मीडियम की कैटेगरी में, क्योंकि कुछ यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है स्टूडेंट्स के साथ कि भाई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे भी कंफ्यूज हो सकता है। अब देखो ये मैंने बार बार आपको बताया था कि सेंटर स्टेट रिलेशन के सिर्फ और सिर्फ कमीशन के नाम याद रख लो, उनका अंदर में क्या दिया हुआ है वो भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा सवाल आया ये हमने बार बार देखे थे, राजा मनाथ पहुंची सरकारिया बार बार आपको बताता रहता था, वेस्ट बंगाल, तो ये हमारे बनते थे, एक ही बचा कौन सा, सोली सौरभ जी, ये आपके पुलिस रिफॉर्म्स के लिए था, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी सोली सौरभ जी इसका ये आंसर रहेगा, सबको बताइए, ये बार 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 पॉलिटी मैराथन में भी डिस्कस है, सब में डिस्कस था, ठीक है, इसमें कोई वो डाउट ही नहीं है। फिर हमारा देखो ये मैंने कितनी बार आपको बताया है, ओनली फॉर द सिटीजन, अगर सिर्फ पूछा जाए कि फंडामेंटल राइट्स फॉर सिटीजन तो सारे हो जाएंगे,
ओनली अगर उसमें वर्ड लगा दिया तो मैंने क्या ऐड करवाया था, पांच आपको ध्यान रखना है, 15, 16, 15, 30 और 29 और बीच में 19, तो ये हमारा है। तो 29 ही आपका जो है वो इस पे ऑप्शन में बचा हुआ रहता है, ओनली फॉर सिटीजंस। क्लासरूम के जो स्टूडेंट है, दे कैन इजीली रिलेट किए हमने क्वेश्चन कितनी बार किए हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके पॉलिटी नोट्स में ऑलरेडी मैंने कई बार करवाया हुआ है ये, तो आपका डी आंसर रहेगा इसका, करेक्ट आंसर ओनली फॉर सिटीजन रखा हुआ है। तीनों की तीनों कमेटीज, मैंने कहा था कि अगर सवाल आएगा तो तीनों कमेटीज में से ही आएगा, पब्लिक अकाउंट हो गया या फिर आपका जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है या फिर एस्टिमेट कमेटी है, इनके अलावा कोई सवाल नहीं आएगा। तो सीधा सीधा 1921 वी नो अबाउट इट, ठीक है। फिर आपका जो चेयरमैन होता है अपोजिशन से आता है, एस्टिमेट कमेटी में आपका सेम पार्टी से ही आता है, यस। फिर यहाँ पे आपने पता है कि एक साल के लिए उनकी मेंबरशिप होती है, तो ये आपका गलत हो गया। थ्री को जैसे ही आप गलत करते हैं, ये गया 1, 2 और 2 बचता है, और 1, 1921 इज द करेक्ट। तो इसको भी, इसको अपन मीडियम के कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि वहां पे एग्जाम में आपको हो सकता है कि जो ये वाली स्टेटमेंट है 1921 वाली जो स्टेटमेंट है वो हो सकता है उस टाइम पे याद ना आए, तो इसीलिए मैंने इसको मीडियम के कैटेगरी में रख दिया, तो ये ध्यान रखेंगे 21। फिर हम आते हैं 22, ये फिर आपका इजी की कैटेगरी का रहेगा, क्योंकि मैंने बार 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 आपको ये करवाया हुआ है। बट यहाँ पे एक थोड़ा सा झोला है कि भाई इंदिरा गांधी गवर्नमेंट की आया था, राजीव गांधी की गवर्नमेंट के 10 शेड्यूल मैंने आपको बार बार बताया हुआ है। ये अमेंडमेंट मैंने आपको याद करवाए थे कि भाई 52nd अमेंडमेंट, 91st अमेंडमेंट, जिसमें 15% आपका रिजर्वेशन रहता है, 10% इन द केस ऑफ दिल्ली, तो ये हम बार 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 कर चुके थे, ठीक है। तो 93 वाला तो पहले चला जाएगा आपका, ठीक है, और इंदिरा गांधी नहीं, वहां पे राजीव गांधी है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 2 and 4 ऑप्शन डी। बट एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा डाइसी रहता है, तो ये मीडियम कैटेगरी का रहेगा, कुछ स्टूडेंट्स का ठीक होगा, कुछ स्टूडेंट्स का गलत होगा। इजी वाले वो हैं जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के, मोर देन 80% ऑफ द स्टूडेंट जो आपका ठीक करके आते हैं, उनको हम इजी कैटेगरी में रखते हैं। 50-50, 60-40 वाले जो क्वेश्चन रहते हैं उनको हम मीडियम की कैटेगरी में रखते हैं, यही रूल रहता है, ठीक है। ये देखो मैंने क्या बताया था, पीआरआई में अगर कोई भी कमेटी पूछी जाएगी तो वो पूछी जाएगी जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रिकमेंडेशन दी थी, सवाल डायरेक्टली वही आया, इसमें यही पूछा गया है कि पंचायती राज में कौन सी थी, एलएम सिंघवी, बार 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 सिंघवी कमेटी, उसने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए किया था, तो ये हम बार बार कर चुके हैं, डायरेक्टली हमारी मैराथन क्लासेस से भी आया है ये, मतलब सीधा डिस्कस्ड क्वेश्चन है, तो बी, ठीक है। अब सारे ही क्वेश्चन आ गए हैं डिस्कस में से, तो इसलिए बार बार बोलना थोड़ा सा वो लग रहा है। अब देखो 24th इलेक्शन कमीशन सब पढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि देखो 5 मेंबर लिखा हुआ है, जैसे ही आप 1 को एलिमिनेट करते हैं, यूपीएससी के ही पैटर्न का है, क्यों, क्योंकि 1 को एलिमिनेट करते ही हमारा एक ही आंसर बचता है, क्योंकि ये 3 मेंबर होती है, 1 हटाया 1 हटाया 1 हटाया, तो हमारा 2 and 4। बट ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन कैसे है, यहां पे लिखा हुआ है नॉट करेक्ट, बट आपने मार्क क्या किया होगा, आपने मार्क किया होगा जैसे ही करते करेक्ट, तो हमने 1 हटा के आंसर मार्क किया होगा 2 and 4, बट इसका करेक्ट आंसर क्या है, 1 only, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये होता है एग्जामिनेशन हॉल, जहां पे हम पढ़ नहीं पाते हैं, हमारा मतलब दिमाग ही काम नहीं करता, दैट इज द रियलिटी, यही होता है स्टूडेंट्स के साथ। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है। HCS इस बार का पेपर ब्यूटिफुल पेपर, ब्यूटिफुल, आई डू नॉट हैव इवन ए सिंगल परसेंट शिकायत फ्रॉम द HPSC की, उन्होंने कैसा पेपर बना दिया जो लास्ट टाइम देखती थी, इस बार कंप्लीटली जो आपका मतलब जो इंक्लिनेशन था यूपीएससी की तरफ, उसी पैटर्न में क्वेश्चन, वही ब्यूटीफुल नेचर, जहां पर आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं होती, योर प्रेजेंस ऑफ माइंड इज टेस्टेड, सिंपल क्वेश्चन भी होते हैं, ट्रिकी होता है, इतना सिंपल क्वेश्चन बट लास्ट में नॉट करेक्ट, एंड आई एम वेरी श्योर 50% ऑफ द जो स्टूडेंट्स है वो ये चीज नहीं देख पाए होंगे। तो इसको हम रखते हैं फिर से अपना मीडियम की कैटेगरी में, ठीक है, ये अपना रहेगा। तो अपना फिर नेक्स्ट आता है 25th में अपना क्या रहेगा, देखो ये सारा का सारा, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता है, हमने सारे नहीं देखने, सिर्फ ये सबको पता होता है, मैडम भिकाजी कामा ने अनफॉइल किया था फॉरेन सॉइल पे, तो 2 के साथ 4 कहां पे है, 2 के साथ 4 कहां पे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये मैंने सारे के सारे ही बताए हुए हिस्ट्री नोट्स में, ये कंप्लीटली हमारे नोट्स में से है, ठीक है। फिर देखो ये कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ एलिमिनेशन, अगेन एलिमिनेशन, एलिमिनेशन कैसे है? सबको पता है भगत सिंह किसमें थे, आपके लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में, क्या ककोरी में थे, उस टाइम तो नहीं थे, जैसे ही भगत सिंह को आप लेते हो, 4 हटाया 4 हटाया 4 हटाया, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव भी गया, ये भी गया, ये भी गया, बचा क्या, ओनली बी, आपको देखना ही नहीं है क्या ऑप्शन है। यही इस पेपर की अच्छी बात थी कि जैसे ही हम भगत सिंह को हटा देते, सबको पता है इजी इजी, ठीक है, इसको अपन इजी की ही कैटेगरी में रखेंगे और अपना कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। बट एग्जामिनेशन हॉल में अगेन ये सारी की सारी चीजें देखना, देखो ये मैंने याद करवाया था, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना कर रहा है, तो आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज प्रार्थना कर रहा था, ये अपने मैराथन क्लासेस में डायरेक्टली मैंने करवाया था, सिंगल लाइन है, टू द पॉइंट, प्रार्थना समाज विल बी द आंसर, 27 का सी, ये सारी की सारी बुक मैंने आपको याद करवाई थी, 3 ही बुक मैंने बोला था, तमिल वाली याद करनी है, मृच कट्टिकम, मणि मेघलई, ठीक है, और वो एक और है,
फिर देखो रघुवंशम कालिदास की है, बुद्ध चरित्र अशोक घोष की है, कादंबरी अपनी बाण भट्ट की है, ये भी अपन ने देखा था। तो ये आपका आंसर क्या रहेगा, 28 का डी आंसर रहेगा। इसको भी अपन किस कैटेगरी में रखेंगे, इजी की कैटेगरी में, ठीक है। तो ये आप आराम से देख के कर सकते हैं, कादंबरी बाण भट्ट ये आपका रहेगा, ठीक है। फिर हमारा देखो मैंने क्या बताया था, टेम्पल आर्किटेक्चर एज इट इज सवाल आया है। मैंने क्या कहा था कि भाई वो आपसे ये नहीं पूछेगा पंचायतम किसका है, ये किसका है, वो आपसे सिर्फ ये पूछ लेगा कि टेंपल आर्किटेक्चर में कौन कौन से आते हैं। तो सीधा सीधा सवाल नगरा वैश्यरा द्राविड़ा डायरेक्टली, जैसा मैंने आपको क्लासेस में बताया था, एज इट इज सवाल बन के आया है, यू का यू, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, इसमें कोई बधाई करने वाली बात नहीं है। आई हैड द एक्सपीरियंस, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आप सवाल आए हैं तो आई हैव टू टेल द स्टूडेंट ऑल्सो कि हाँ भाई सवाल आए हैं, यू के यू ही आए हैं। हमारी क्लास का कोई भी स्टूडेंट इस चीज को कंफर्म कर सकता है, देर आर मैनी स्टूडेंट हु आर कनेक्टेड नाउ, ठीक है। इसमें अगर उन्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं और ये चीज डिस्कस नहीं है, तो दे कैन कमेंट ऑल्सो कि सर आप गलत बता रहे हैं, ठीक है। बट आई नो कि ये एज इट इज मैंने आपको बताया था कि यही तीन ऑप्शन देके ऐसे ही पूछा जाएगा, तो वही पूछा गया कि भाई टेंपल आर्किटेक्चर यही रहेगा हमारा। देखो ये हमारा डायरेक्टली हरमतान ही मैंने याद करवाया था, देखो हरमतान डॉक्टर स्विंट ये अपने डायरेक्टली राउडी और जो मैराथन क्लासेस में मैंने सिंगल लाइनर करवाए थे सारे की सारी चीजें थी। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ इससे ही मैच कर देते हैं हरमतान डॉक्टर स्विंट, चार का दो कहां है भाई, चार का दो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट्स इट। आपको बाकी ऑप्शंस पढ़ने की ही जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। फिर हमारा देखो ये सारे के सारे मैंने आपको याद करवाए थे, नीला बेटा किसका था, डोडा बेटा, ठीक है। नीला बेटा डोडा, वन के साथ फोर कहाँ है, वन के साथ फोर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, क्या हमें और कुछ देखना है, नहीं देखना, क्योंकि नीला बेटा हमारा डोडा था। ये ट्रिक आपको याद करवाई थी, राउडी में भी याद करवाई थी, मैराथन क्लासेस में भी अपन ने किया था। तो हमारा सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देखो ये डायरेक्टली सिंगल लाइनर मैंने बोला था, श्री हरिकोटा सतीश धवन कौन से में होता है, पुलिकट लेक, ठीक है। डायरेक्टली मैराथन क्लासेस में भी मैंने करवाया था, राउडी में भी करवाया था, पुलिकट बी इज द राइट आंसर, सीधा का सीधा सिंगल लाइनर में से है हमारे। फिर विष्णु नारायण भटनागर ये हमारे में से नहीं है, और अगर मैंने करवाया तो मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के है, इसका आंसर ए है आपका, ठीक है। इट इज नॉट फ्रॉम अवर नोट्स। सेकंड क्वेश्चन हमारा आ रहा है जो हमारे नोट से डायरेक्टली नहीं है और हमने डिस्कस नहीं किया था अभी तक, तो जितने भी क्वेश्चन है मैं सारे बता चुका हूँ कहाँ कहाँ हमने डिस्कस किए थे और कैसे कैसे डिस्कस किए थे, ठीक है। अब हम आते हैं देखो आरसीईपी, आरसीईपी आपका डायरेक्टली आईआर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला जो था, करंट अफेयर जो था उसमें अपन ने किया था, राउडी में भी किया था। तो ये क्योंकि बार बार न्यूज में रहता है, इंडिया से बाहर हुआ था। देखो आशियान की ट्रिक मैंने बताई थी, टिम्स ब्रूनी, ठीक है, तो उसमें ब्रूनी तो आता ही है। और अगर आप देखोगे बांग्लादेश एक सिंपल सा पुअर सा है, इसको आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ठीक है। बट ये मैं रखूंगा मीडियम की कैटेगरी में, आरसीईपी वहां पे गलत होने के चांसेस रहते हैं, ये डायरेक्टली था। बट यहाँ पे देखो आपके 2+2+2 का बनता है, वहां पे जैसे इंडिया और चाइना थे, न्यूजीलैंड और ये थे, और यूएस और कनाडा थे, सारे पार्टिसिपेट करना चाहते थे, एशियन प्लस सिक्स इसमें कंट्रीज है, तो यहाँ पे बांग्लादेश आपका नहीं रहेगा क्योंकि गरीब कंट्री है, वहां पे सारे अमीर अमीर कंट्रीज थे, तो आप इसको कर सकते हैं। बट मीडियम कैटेगरी का इजी में नहीं रखेंगे इसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा देखो ये सारा का सारा आपका डायरेक्टली इकोनॉमी नोट्स है, सब एक 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 चीज आपको करवाई हुई है कि भाई देखो अगर यहाँ पे देखें सेबी इंश्योरेंस रेगुलेशन करता है क्या, नहीं, वो तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड आपका उससे संबंधित है, ट्रांजेक्शन से संबंधित। जैसे ही आप थ्री को हटाते हैं, देखो थ्री को हटाया मैंने, थ्री यहां से गया, थ्री यहां से गया, हमारा ए और सी ऑप्शन बचता है। यहाँ पे देखो एफआरबीएम एक्ट क्या हमारा फिस्कल डेफिसिट के लिए है, यस। क्या बिटकॉइन आप एक्सचेंज कर सकते हैं एनएससी में, नहीं, क्योंकि बिटकॉइन आपकी क्या है, इलीगल, तो आप इसको हटा दो, इसको ले लो, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मूडी क्रेडिट है, यस है, वो है, उसका अपने को कुछ नहीं लेना देना। ये आपका हरियाणा हरियंत सब जगह दिया हुआ है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन की भाई इसमें से कौन सा नाम था, तो ब्रह्मव्रत आर्यव्रत ब्रह्मोपदेश सबके सब रखते थे, तो आंसर डी इसका रहेगा। ये 37 अगेन हमारे डिस्कस में से नहीं था, मतलब क्लास में डिस्कस हुआ हुआ है ये क्वेश्चन, आई थिंक अंकित और जब बात चल रही थी आपके एक बार ग्रुप में बात चल रही थी, ये भी आया था कि बलराम जाट बालू किसने दिया था, इसका रहेगा मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। मोहम्मद शाह आई थिंक रंगीला है या नहीं है, बट मोहम्मद शाह इसका राइट आंसर है, नायब बख्शी राव बलराम जाट, बट उतना अपन इसको नहीं मान के चलेंगे, ठीक है। ये इनडायरेक्टली वाले में से जो सात मैंने बोला था इनडायरेक्टली अपने में से है, तो वो अपना रहेगा। फिर हमारा देखो हरियाणा, ये तीनों पड़े हुए हैं सारे के सारे आर्यन में है, सरदार हुकुम सिंह कमेटी भी है, शाह कमीशन भी है, 17 स्टेट 1 नवंबर 1966, ये सारे के सारे आपको बताए हुए हैं, डायरेक्टली डी विल बी द राइट आंसर। इकोलॉजी में अपन ने डिस्कस किया था प्लास्टिक बैग्स आर नॉट डिग्रेडेबल, इसीलिए वो सिंगल लाइनर वहां पे अपना लिखा हुआ है क्लासरूम के नोट्स में। तो इसमें बाकी के सारे देखो यहाँ पे थोड़ा सा कि भाई टॉक्सिक से प्रोड्यूस होते हैं नहीं होते हैं, जैसे ही आप सारे ऑप्शन पढ़ते हैं मोर अप्रोप्रिएट हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा, ठीक है। ये भी टॉक्सिक केमिकल यूज करते हैं इसलिए हैजार्ड है, हो सकता है बी में कंफ्यूज हो जाओ, बट जैसे ही आप बी को पढ़ेंगे तो ये आपका क्या रह जाएगा, आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। द करेक्ट आंसर इज योर डी आंसर, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। ये इजी की कैटेगरी का हमारा सवाल रहेगा।
प्रोबायोटिक आपको डायरेक्टली मैंने मैराथन क्लासेस में भी बताया था, राउडी में भी बताया था, साइंस वाले मैराथन क्लास को उठा के देख लो सीधा सीधा कि प्रोबायोटिक क्या करता है, बेनिफिशियल इफेक्ट क्या वो किल करता है, मैंने ऑप्शन क्या दिया था, दे किल द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, नो, तो हमने उसको फॉल्स करके ऐसे याद किया था, बेनिफिशियल होते हैं हेल्दी डाइजेशन के लिए, सो सी इज द राइट आंसर। देखो बी भी इसमें ऑप्शन है जो हमने उसमें डाला भी था, ठीक है, तो ये हमारा नहीं है, सी आंसर रहेगा। देखो कोविड के दो तीन क्वेश्चन अपन ने नहीं करे थे तो वो थोड़ा सा अपने लिए वो हो गया, बाकी कोविड अपना न्यूज में रहता था, इनको मैंने हटा के ही रखा हुआ है, ठीक है, तो ये अपना रहेगा कि जैसे आरटीपीसीआर आपका जो होता है आरएनए वायरस जो होता है उसको डिटेक्ट करता है, तो आरटीपीसीआर और आरएनए वायरस, ठीक है, तो ये आपका इनडायरेक्ट में से मैं रखूंगा, डायरेक्टली डिस्कस में से इसको नहीं रखेंगे, ठीक है। फिर आपका मुद्रा वैली मैंने आपको बताया था, केएल याद करिए वो ट्रिक, केएल जेडपीडी मैंने क्या कहा था पहले और दूसरे के बीच में क्या है, मुद्रा वैली, और मुद्रा वैली हमारे यूपीएससी में भी आई थी, ये डायरेक्टली करवाया हुआ सवाल है अपना, तो ये अपना क्या आंसर आ जाएगा, केएल, के इज कराकोरम एंड लद्दाख पहली और दूसरी के बीच में है नुब्रा वैली, तो ये हमारा होगा सीधा सीधा, ठीक है, तो 42 का आंसर क्या रहेगा, डी आंसर रहेगा। फिर ये आपका देखो देवसांग प्लेन, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी इन सेंस मतलब डायरेक्टली कहीं नहीं करवाया जा सकता ये क्वेश्चन, बट आपको ये तो पता है देवसांग प्लेन मैंने बताया था जम्मू कश्मीर के हैं, हायर एल्टीट्यूड में है, यानी दो तो इसमें करेक्ट है बिल्कुल, दो कहां है, देखो दो यहां है और दो और तीन यहां है, ये दो आंसर तो एलिमिनेट हो गए। अब बी और डी में से अपने को ढूंढना है थ्री, देखो देवसांग प्लेन जो आपके इंडिया चाइना वाला वो जो चल रहा है वहां पे थे, ठीक है, तो प्लेन्स है, तो एक कॉमन सेंस अगर आदमी लगाएगा कि प्लेन्स नाम बोला हुआ है तो फॉरेस्ट तो नहीं हो सकते, तो आप थ्री को एलिमिनेट कर दो, थ्री को हटा दो, क्यों, क्योंकि प्लेन्स बोला हुआ है तो हम इसको नहीं मानेंगे इसमें, तो कॉनिफर्स अपने हटा दिए, जैसे हटाया तो टू ओनली, तो देवसांग प्लेन क्या रहेगा, दो तो हमें पता है एब्सोल्युटली राइट है, तो उसके दो ही ऑप्शन बचे और थ्री हम हटा सकते हैं क्योंकि प्लेन्स में फॉरेस्ट तो क्यों ही होंगे, तो ये एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बट अकॉर्डिंग टू मी इसको हार्ड में रखेंगे क्योंकि सारे के सारे डायरेक्टली उस टाइम पे नहीं कर सकते इसको, तो उसमें रखेंगे, ठीक है, ये इनडायरेक्ट में रखेंगे अपन, डायरेक्टली हमारे नोट्स में से ये नहीं है। स्लैश एंड बर्न मैंने सारे के सारे स्लैश एंड बर्न आपको याद करवाए थे, सबके नाम दे दे के, सिर्फ और सिर्फ एक ही पता है कि झूमिंग किसका है, नॉर्थ ईस्ट रीजन का, तो जैसे ही आप ढूंढते हैं झूमिंग नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी वन के साथ सी, वन के साथ सी कहां है, बी में ही है और कहीं है ही नहीं, आपको ये पता ही नहीं होना चाहिए, यानी एग्जामिनर क्या देखना चाहता था, आपकी सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस आपको सब नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि झूमिंग बहुत ही ज्यादा फेमस है, हर जगह झूमिंग झूमिंग नॉर्थ ईस्ट आता ही है, तो सिर्फ अगर वन और सी को ही मैच कर देते हो तो बी इज द करेक्ट आंसर, दैट्स इट, एनसीईआरटी में पूरी टेबल भी दी हुई है। फिर ये हमारा ज्योग्राफी मैप्स का सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई नॉर्थ साउथ ईस्ट और लैंडलॉक्ड हमारा कौन सा है, तो अपने को बताइए कि नॉर्थ में अपना हरियाणा रहता है, तो अब देखो हरियाणा और हरियाणा, हिमाचल वाले एलिमिनेट हो गए, तो बी और डी में से आंसर होना चाहिए, पहली बात तो ये, तीनों पर आसाम दिया हुआ है ईस्टर्न मोस्ट, पर अपने को पता है कि आसाम लैंडलॉक नहीं है, उसकी तो इंटरनेशनल बाउंड्री टच होती है भूटान के साथ भी, तो हमने यहां से आसाम को हटा दिया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, सिंपल आंसर, आपको और कुछ नहीं देखना, यही होता है स्मार्ट तरीका क्वेश्चन को करने का, ठीक है, बाकी अपना ये नहीं रहेगा, ठीक है, तो ये अपना वो रहेगा, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं हरियाणा, हरियाणा अपने बी और डी में किया और आसाम को आपने हटाया, तो ये अपना आंसर क्या रह जाएगा, डी, ठीक है, कोई भी डाउटफुल क्वेश्चन अगर आपको लगता है तो वो अपन लास्ट में रखेंगे, उसको देख लेंगे, ठीक है। 46 एक दो ही क्वेश्चन होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, देखो ये हमने नहीं करवाया हुआ, डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी, या मतलब हो सकता है आपने एनसीईआरटी में पढ़ लिया हो या कहीं भी पढ़ा हो, बट ये अपन नहीं मान के चलेंगे, इसको मैं नहीं मानता हूं कि ये हमारे नोट्स में से है, नॉट ए मेजर रिवर बेसिन, इसका आंसर है तीस्ता, ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा सी, तो ये हमारा नॉट फ्रॉम नोट्स है, ये क्वेश्चन आपका नोट्स में से नहीं है, देखो ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में स्टेटमेंट्स आपकी दे रखी है, झेलम क्योंकि वो उसके चारों तरफ बनती है, मेंढर बनाती है, एक 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 स्टेटमेंट आपकी एनसीईआरटी की है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि वो मैच्योर स्टेज में बनती है, यूथ में नहीं बनती, ठीक है, क्योंकि मेंढर आपका मैच्योर में बनता है, तो जैसे ही आप फोर को लेते हैं, ठीक है, और थ्री को एलिमिनेट करते हैं, तो थ्री को एलिमिनेट किया तो ये आपका हो गया, मतलब थ्री तो आपका रॉन्ग है और फोर को अपन ने लिया और बाकी ये आपकी स्टेटमेंट ठीक है, तो वन टू फोर आपका आंसर हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, कश्मीर में यूथ स्टेज में, ठीक है, ये फॉलो करती है, मेंढर बनता है, बट मेंढर जो बनता है वो मैच्योर स्टेज में बनता है, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा वैली ऑफ कश्मीर, ये भी ठीक है, तो वन टू फोर डी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्टली राउडी और जो मैराथन क्लासेस हैं, मैंने सीधा सीधा बताया था कि भाई बमियान बुद्धा, ये उल्टा पूछा था मैंने, बमियान बुद्धा किस स्कूल ऑफ आर्ट से है, गंधारा, ठीक है, बमियान बुद्धा ये अफगानिस्तान का है, लगता है पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा, बट ये हमने सारा का सारा क्लास में यू का यू सिंगल लाइनर अपन ने किया था, तो बमियान किसका रहेगा, गंधारा का, आंसर ए, ठीक है। फिर ये सारे एम्ब्रॉयडरी मैंने आपको याद करवाई थी, याद करिए, चिकनकारी लखनऊ करवाया था, कलमकारी आगरा करवाया था, अगर ये दो, ये सारे के सारे अपने नोट्स में है, पब्लिकली है नोट्स, मैं कोई इसमें छुपाने वाली बात नहीं है, सारे नोट्स पब्लिकली है, मैराथन क्लासेस के नोट्स उठा के आप खुद सर्च कर सकते हैं, अब इतनी मेहनत मैं नहीं करने वाला कि आपको एक 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 पॉइंट दिखाऊंगा, बिकॉज आई नो दैट आई एम स्पीकिंग द ट्रुथ, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कलमकारी और चिकनकारी अपना हो गया, तो जैसे ही आप इन दोनों को मैच करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो ए के साथ दो को मैच करो
ए के साथ दो यहां है, ए के साथ दो यहां भी है, यहां भी है, बट बी के साथ फोर, ए के साथ दो और बी के साथ फोर सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में है। यानी ये जो दो मोस्ट कॉमन है अपनी चिकनकारी कलमकारी जो हर बार हर एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे ही आप इन दोनों को भी मैच कर देते हैं तो इट इज सिंपल, सिंपली आपने सोल्व कर लिया, बी आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये अपना रहेगा 50। इसको भी मैंने इजी की कैटेगरी में ही रखा है। ये मैंने सारे के सारे आपको डांसेस भी कौन सा किस स्टेट से है राउडी में ही करवाए थे, सिंगल लाइनर मैराथन में आपके करवाए थे, जो आपकी करंट अफेयर की मैराथन थी, मैराथन क्लास वन करंट अफेयर वाली में। ठीक है, तो ये भरतनाट्यम अपना कहां से है आपको पता है, भरतनाट्यम तमिलनाडु से, कथक सिर्फ और सिर्फ, देखो वीडियो देखो, सिर्फ और सिर्फ कथक पता है। कथक में अपन ने क्या देखा था कि भाई कथा बाजते हैं और कहां से है, यूपी से या नॉर्थ इंडिया से, सीधा सीधा सवाल कराया था नॉर्थ इंडिया का कौन सा है कथक, तो कथक में यूपी करते ही यानी बी के साथ वन, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है बी के साथ वन, बाकी सारों में बी के साथ अलग है। यानी आपको सारे नहीं भी पता है तो भी क्या आप सोल्व कर पा रहे हैं इस सवाल को, इजीली सोल्व कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये भी अपन किसकी कैटेगरी में रखेंगे, इजी की ही कैटेगरी में इसको रखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा सी, ये डायरेक्टली सवाल है, सबको पता है, ये न्यूज में था गोल्डन एरोस की, भाई एरोस जा रही है, एरोस से अपन ने क्या याद किया था कि भाई रफाल फाइटर, तो ये अपना हो जाएगा 17। ये ध्यान नहीं रखना, बस गोल्डन एरोस याद रखेंगे, ए इज द राइट आंसर, करंट अफेयर से अपना डायरेक्टली सवाल था। ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस आपको करवाई गई थी, एससीओ, क्वाड, आशियान, मैड, म्यूचुअल असर्ड डिस्ट्रक्शन आपके किसके लिए था, न्यूक्लियर वेपन्स के लिए, और जो क्वाड थी उसकी डेफिनेशन में ही हम क्या बोलते हैं स्ट्रेटेजिक फोरम। तो इन दोनों को जैसे ही आप मैच करते हैं डी और सी को, तो यहाँ आपका आंसर क्या जाएगा, देखो हाँ फोर्थ के साथ तो सी, फोर्थ के साथ सी, यहां भी है यहां भी है, यानी वन और टू में से होना चाहिए, बट टू के साथ जैसे ही डी मैच करते हो टू के साथ डी, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें नहीं देखना, बस ये दोनों श्योर है कि भी क्वाड स्ट्रेटेजिक फोरम आपके चार कंट्रीज को मिला के बना हुआ है, यूएसए और ये सब रहती है हमारी, तो ये अपना रहेगा। ठीक है, तो ये अपन जैसे ही करते हैं आंसर क्या जाएगा अपना 52 का आंसर रहेगा करेक्ट, ए आंसर। ये हमारे नोट्स में से नहीं था, मैंने आप लोगों को करवाया भी नहीं था, सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों ने बार बार पढ़ रखा होगा, बट कुछ चीजें मिस हो जाती हैं, तो ये हमारा मिस हो गया था कि भाई 11 फरवरी 2020 को जो नाम दिया गया था वो क्या था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, शुरू में ही सार्स कोविड 2, सी इज द राइट आंसर एंड इट इज नॉट फ्रॉम अवर नोट्स, इतना सिंपल क्वेश्चन भी हमारा मिस हो गया था, तो आई एम रिकॉग्नाइजिंग दैट ऑल्सो कि भाई नहीं ये हमारे में से नहीं था, हम नहीं कर पाए, और था भी तो मुझे याद नहीं, बट अकॉर्डिंग टू मी ये हमारे नोट्स में नहीं था। ठीक है, ओसीआई सारा का सारा बताया हुआ था, इसमें ध्यान रखने वाली सिर्फ चीजें दो ही थी कि वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं ले सकता कोई भी ऐसा रिसर्च और जर्नलिस्टिक एक्टिविटीज नहीं कर सकता, स्टेटमेंट टू और थ्री बड़ी ही जर्नलिस्टिक स्टेटमेंट है कि भाई वो डॉक्टर कर सकता है, हाजी कर सकता है और ये कर सकता है, कर सकता है, तो जैसे ही आप इनको हटाते हैं तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, टू एंड थ्री इसमें करेक्ट रहेंगे, वन एंड फोर इजिली आपके एलिमिनेट करे जा सकते हैं, ये पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, सारा का सारा लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है, यहां से ध्यान रखेंगे, ये आपके करंट अफेयर में मैंने करवाया था, बट इसका थोड़ा सा अपन इनडायरेक्ट रखेंगे, डायरेक्टली सबको याद नहीं आता है ये क्वेश्चन कि भाई डिजिटल मीडिया एथिक्स आपके रिसेंटली बनाए गए थे, देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, क्या ये सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए थे, ऐसे ही आपका यूपीएससी डालता है ओटीटी ओनली, ओनली वाले तो मोस्टली गलत होते हैं क्योंकि ये सोशल मीडिया के लिए भी थे, तो जैसे ही आपने ओनली को हटाया तो जैसे फर्स्ट एलिमिनेट कर दिया, अब मेरे पास ऑप्शन बचे टू थ्री फोर टू एंड फोर, अब इस टाइप की कोई भी चीज आ जाए और ये यहां पे है, देखने में क्या लगेगा कि भाई इंटरमीडिएट सेफगार्ड मिनिस्ट्री ऑफ यस वो तो करेगी ही, आईटी में आ गया तो ये भी रहेगा, और इनको एक ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म भी बनाना चाहिए, ये सारे के सारे वहां पे दिए रखे थे, ये आपके करंट अफेयर नोट्स में सी इज द राइट आंसर, बट ये हमारे जो 55 है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी 55 आपका हार्ड की कैटेगरी का सवाल रहेगा, ये चीजें रियल टाइम एग्जाम में सारी की सारी चीजें याद नहीं आती और हम इसको गलत करके आने की संभावना रहती है, तो ये हार्ड की कैटेगरी में रखेंगे। आईएनएसटीसी मैंने मैराथन क्लासेस में आपको ट्रिक से याद करवाया था, टोपी तनाव यूके को, टोपी टू यूके, ठीक है, फिर इसमें क्या चाइना दिख रहा है आपको, चाइना नहीं दिख रहा क्योंकि टोपी टू यूके, अगर आपको बाकी भी याद नहीं है, आपने सिर्फ इतना देखा कि भाई टोपी टू यूके क्या हमारा इसमें चाइना आ रहा नहीं आ रहा, तीन को एलिमिनेट करो, तीन इसमें से गया, तीन इसमें से गया, तीन इसमें से गया, आंसर बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ ए, क्या एलिमिनेशन से हो रहे हैं क्वेश्चन, बिल्कुल हो रहे हैं, यूपीएससी में भी ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, सिंपली यू हैव टू जस्ट एलिमिनेट दैट्स इट। ठीक है, टोपी टू यूके यही ट्रिक मैंने आपको मैराथन में भी सारी की सारी याद करवाई थी और ये डायरेक्टली अपना उसी में से ही आया हुआ है, सो वी कैन से प्राउडली कि यस। ठीक है, फिर अपने देखो न्यूज मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म मैंडेटरी बोर्ड, ये हमारे में से नहीं है, इनडायरेक्टली अपन मान सकते हैं करंट अफेयर के नोट्स में था, बट क्या ये याद आ सकता है, नहीं। ठीक है, ये आपके ऑस्ट्रेलिया में आए थे, करेक्ट आंसर इज बी ऑस्ट्रेलिया, बट ये अपन इनडायरेक्ट की ही कैटेगरी में रखेंगे, जो सात क्वेश्चन आपके इनडायरेक्ट में है। अगेन जो हमारा अटल टनल है ये भी मैंने आपको करवाया था, बट ये कहां है कैसे है वो अपन ने याद किया था, यहां पे बहुत ही ज्यादा डीप में जाके इन्होंने पूछ लिया, ईस्ट में है, साउथ में है, नॉर्थ में है, वेस्ट में है, तो यहां पे ये सब चीज एग्जामिनेशन हॉल में रिकॉल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ये हार्ड की कैटेगरी में अपन रखेंगे। ठीक है, ये हार्ड की कैटेगरी में एंड हमारे नोट से इनडायरेक्टली ये सवाल है,
वो दोनों के दोनों अपन इनडायरेक्ट में ही रखेंगे, डायरेक्टली अपने में से नहीं है, ठीक है। दो अपन ने करवाए थे, ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया था, वैसे न्यूज में ये रहता है, ठीक है। मैत्री सेतु, इसका करेक्ट आंसर है ए, आपका सबूर त्रिपुरा का, रामगढ़ है बांग्लादेश का, ये नॉट फ्रॉम अवर नोट्स, ठीक है, ये हमारे नोट्स में से नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये आपका हो गया। बजरंग पूनिया वाला इनडायरेक्ट रहेगा, क्योंकि मैंने आपको तीन चार ही हैं वो याद कराए थे जिनकी रैंकिंग आपकी इंप्रूव हुई है, बट अपन ने इतना ही देखा था कि भाई बजरंग पूनिया फर्स्ट में आ गया, बट इसमें थोड़ा सा और आगे जाके आपसे सवाल पूछ लिया था कि कब कहां, तो ये आपका रहेगा मेट्रोपॉलिटन रैंकिंग इन द रोम, इसका करेक्ट आंसर है डी, बट ये हम उतना वहां तक नहीं पहुंच पाए, रोम वाला शायद मैंने डिस्कस नहीं किया था क्लास में। फर्स्ट रैंक अपन ने डिस्कस करी थी 65 कैटेगरी में किसको मिली है, बजरंग पूनिया, बट अपन उतना डिस्कस नहीं किया, तो ये अपना इनडायरेक्ट में रहेगा, ठीक है। फिर हम आते हैं, ये सारे के सारे अपन ने करे हुए थे क्लास में, सारे करवाए थे मैंने, सुरक्षा, कवच, वैक्सीन, मैत्री, तो ये आपका ठीक हो जाएगा। कवच आपका गलत है, वन आपका करेक्ट है, तो आपका वन और थ्री इसमें करेक्ट है, ठीक है। आपका कवच गलत है, कवच में भी वैक्सीन आपकी बनानी थी, तो ये ध्यान रखेंगे। टू को आप एलिमिनेट कर सकते हो, थ्री फोर और वन थ्री में से, थ्री आपका ठीक है, वन ठीक है, और ये आपका गलत हो जाता है, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, वन एंड थ्री, ये ध्यान रखेंगे। देखो अब ये हमारा फिर से इनडायरेक्ट की कैटेगरी में रहेगा कि भाई इंडियन आईसीएमआर ने नोट्स के अलावा एंटीबॉडीज जो आपकी हैं वो कहां से आप टेस्ट करते हैं, एंटीबॉडीज टेस्ट करते हैं हम आपके ब्लड से, तो इसमें आंसर रहेगा रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट ब्लड, बट ये थोड़ा सा उतना अपन ने क्लास में डिस्कस नहीं किया था ये सवाल, तो हम इसको रखेंगे, ठीक है। बट ये सारे की सारी चीजें आपको ध्यान आए नहीं आए वो एक अलग चीज है, तो ये भी अपना इनडायरेक्ट क्वेश्चन में से ही मैं इसको रखूंगा, इनडायरेक्टली अपने नोट्स में से थे, ये डायरेक्टली करंट अफेयर के नोट्स में से मैंने सारे के सारे नोबेल प्राइज आपको प्रोवाइड करा रखे थे कि भाई किसको कौन सी कैटेगरी में आपका मिला था। इसका करेक्ट आंसर है आपका ए, यानी रॉबर्ट वी विल्सन को किसमें मिला है, इकोनॉमी में, और पेनरोज को किसमें मिला है आपका, फिजिक्स में, ठीक है। और सी थर्ड का आपका सी रहेगा, डोरोडा आपका केमिस्ट्री में रहेगा, फोर्थ का ग्लब आपका है लिटरेचर में, तो इसका आंसर है ए, ये आपके डायरेक्टली करंट अफेयर नोट्स में आपका प्रोवाइडेड है, आप देख सकते हैं साइंस के नोट्स में से सीधा का सीधा है, ठीक है। अब देखो पॉलिटी के तो सारे के सारे क्वेश्चन मैराथन क्लासेस से ही आए हैं, एक भी क्वेश्चन मैराथन क्लासेस से बाहर नहीं है, एक्सेप्ट एक आधा भी नहीं है, ठीक है, एक भी नहीं लग रहा मुझे तो। अब ये देखो स्पीकर, मैंने आपको बार 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 सारी चीजें स्पीकर की बताई हुई है, क्या वो हाँ देखो इसमें करेक्ट पूछ रहे, बी ही स्टेटमेंट देख लो, फाइनेंशियल बिल और मनी बिल को क्या फाइनल वही डिक्लेयर करता है, उसी का ही है, यस हम यही देखते हैं, ज्वाइंट सिटिंग और मनी बिल दो ही चीजें हैं जो उसको अपर हैंड देती है, तो ये हमारा हो जाएगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर, तो लोकसभा स्पीकर का क्या आंसर रहेगा, बी, सिंपल। ये इकोनॉमी के जितने भी क्वेश्चन है मैंने इजी की कैटेगरी में डाले हुए हैं, ठीक है, तो ये इजी की कैटेगरी का रहेगा। अब देखो अपन ने देखा था परफ्यूम बनाने के लिए अपन ईस्टर लेते हैं, ये अपन ने डिस्कस किया था साइंस वाले में, और ईस्टर किससे मिलकर बनता है, अल्कोहल और एल्डिहाइड से, यानी ये तीन चीजों का आप यूज करोगे ही करोगे, ईस्टर और ये, बचा क्या, बी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जब डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्टली, तो ये आपका क्या आंसर, कार्बोक्सिलिक एसिड बी, बट ये मीडियम कैटेगरी का मैं सवाल बोलूंगा, उतना इजी अपन इसको नहीं बोल सकते, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, आप हो सकता है अल्कोहल मार्क करके आ जाओ या फिर एसिड मार्क करके आ जाओ, उतना इजी नहीं है ये कि डायरेक्टली देखते ही आप टिक कर दो, इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है, और ये भी देखना पड़ता है कि भाई नॉन साइंस बैकग्राउंड के भी आपके जो स्टूडेंट्स हैं क्या वो इसको कर पाएंगे, तो वो आपको देखना पड़ेगा। ये डायरेक्टली मैंने करवाया था क्लिनजिंग ऑफ द गोड के लिए, एक्वा रेजिया अपन ने देखा था, नाइट्रिक एसिड प्लस HCl को यूज करते हैं, और एक ही ऑप्शन है आपका नाइट्रिक एसिड, तो ए इज द करेक्ट आंसर, बाकी में देखो बोरिक ऑक्सैलिक सल्फ्यूरिक दे रखा है, दो चीजें होती है एक्वा रेजिया में जो गोल्ड को क्लीन करने के लिए, डायरेक्टली अपने क्लासरूम से ही है ये सवाल, ठीक है। फिर देखो ये भी यूं करी हूं मैंने, TIR के जितने एग्जाम्पल आपको दिए हुए थे, मिराज भी मैंने एग्जाम्पल बताया था, लूमिंग भी बताया था, डायमंड स्पार्कल भी बताया था, और ऑप्टिकल फाइबर, ये तीनों मैंने डायरेक्टली एक 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 क्वेश्चन में बताया था, बचा क्या, क्लेडोस्कोप, TIR में क्लेडोस्कोप नहीं, ओनली एंड ओनली रिफ्लेक्शन होता है, जेड शेप का ये होता है, तो ये अपने क्लास में करे ही थे, ठीक है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे, देखो नेक्स्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपन ने देखा था, अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की पढ़ाते हुए मैंने ये भी बताया था कि ये क्रिप्टो करेंसी को वो करने के लिए है, क्या ये क्रिप्टो करेंसी है, नहीं, ये भी डायरेक्टली डिस्कस सवाल है, तो जैसे ही आप थ्री को हटाते हैं तो क्या ये क्रिप्टो करेंसी, ये कॉमन स्टेटमेंट है, ये गलत है, सब बच्चों को पता रहता है जो तैयारी कर रहे होते हैं, तो इट इज तीन को हटा दो, तीन को हटा दिया, तीन को हटा दिया, तीन को हटा दिया, वन एंड टू, ठीक है, डाटाबेस होता है, डिजिटल लेजर होता है, यस वन एंड टू इज द करेक्ट आंसर, यानी बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, बट इसको अपन मीडियम के कैटेगरी में रख सकते हैं। ये अपन ने क्लास में डिस्कस किया था WTO की जो नई बनी है, नागोजी ओकोजा जो भी है, ये डिस्कस सवाल है, सारा को पता होना चाहिए, बाकी हो सकता है क्लास में उतना याद नहीं आ पाए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि अपन ने क्लास में डिस्कस किया था, इनडायरेक्टली मैं इसको मैं रख रहा हूं, बट एक चीज श्योर है, जो भी आदमी नॉर्मली एक्टिव आदमी रहता है उसको सब कुछ पता रहता है कि भाई टेस्ला इलेक्ट्रिक कार बनाती है, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है, पोकेमोन गो आपका एक गेम था,
और जूम हमें पता है कि वीडियो कॉलिंग के लिए अपन यूज करते हैं। क्या ये ओटीटी प्लेटफॉर्म है? नहीं। ओटीटी क्या होता है? आप ओवर द टॉप जो जैसे वहां पे आपका अमेजन है, नेटफ्लिक्स है, वो होते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो आपका सिंपली ये गलत हो जाएगा, रॉन्गली मैं सी डी, आपका इजी आंसर है ये, इजी है, इसमें कोई भी ज्यादा बड़ी बात नहीं है ये। पर इसको मैंने इनडायरेक्ट में ही रखा है, दो जो हम क्लासेस में पढ़ रहे हैं इतना कॉमन सेंस अपने अंदर हो जाता है कि आप इस क्वेश्चन को इजिली आंसर कर सकें। ये डायरेक्टली आपके नोट्स में से है, करंट अफेयर, मणिपुर, लोकताक, फुमड़ी, सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक नॉर्थ ईस्ट की कौन सी है? आपकी लोकताक लेक। तो आपसे पूछे ही लोकेशन वो कहा है मणिपुर, आंसर क्या रहेगा हमारा? ए। ठीक है, तो ये 71 का आंसर है ए। अब देखो ये भी अपन ने क्लास में आपके क्लासरूम के नोट्स जो है प्रिजर्वेरेंस मैंने दे रखा है उसमें कि भाई फरवरी में जो आपका लैंड हुआ था वो है प्रिजर्वेरेंस, बट यहाँ पे क्या है कि क्यूरियोसिटी भी, तो ये कंफ्यूज कराने वाला सवाल थोड़ा सा है। आंसर तो इसका फरवरी 2021 इसलिए लिखा हुआ है, तो हमने क्यूरियोसिटी भी देखा था, ठीक है, प्रिजर्वेरेंस भी है, बट आप किसके हिसाब से देखेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल है, तो इसलिए मैंने इसको मतलब मीडियम की कैटेगरी में इसको रखा है। हार्ड टू मीडियम इतना याद नहीं आता, हम क्यूरियोसिटी को भी मार्क करके आ सकते हैं, कुछ लोग क्यूरियोसिटी मार्क करके आए होंगे, कुछ लोग परसिवेरेंस मार्क करके आए होंगे, तो ये दोनों में से आपका करेक्ट आंसर है ए। क्यूरियोसिटी बहुत पुराना रोवर है, दोनों ही रोवर है, ये भी रोवर है नासा का और ये भी रोवर है नासा का, ये चीज ध्यान रखेंगे। फिर हमारा आता है जैसे महात्मा गांधी, ये आपका डायरेक्टली हिस्ट्री मैराथन क्लासेस से आया है, मैंने बताया था 1924 बेलगाम सेशन, तो बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा इजी की कैटेगरी का। ये आपका डायरेक्टली मैराथन क्लासेस में करवाया हुआ है, मैंने सारी की सारी बताई थी कि चार तो आपकी साउथ इंडिया की होगी, तो चारों ही दे रखी है, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, प्लस हमने देखा था उड़िया रिसेंटली ऐड करी हुई है, प्लस हमने देखा था एक संस्कृत एक्स्ट्रा थी, छह लैंग्वेजेस अपने थी, तो ऑल ऑफ द अबव, ये पॉलिटी में भी डिस्कस किया हुआ है, अपने सिंगल लाइनर मैराथन में भी ये आपका डिस्कस था। देखो विरोधी कवि, विरोधी कवि इंटरेस्टिंग चीज क्या है, एफएमजी सीरीज जिसने उसकी पीडीएफ देखी थी, एफएमजी वाली, एफएमजी क्या था, 5 मिनट ज्ञान, जिसमें मैंने आपको मिसलेनियस करवाया था, वो लूसेंट में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, लूसेंट में, काजी नजरुल इस्लाम, देखने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, एफएमजी सीरीज के टॉपिक नंबर 21 में आप अगर जाके अभी भी चेक करेंगे तो लास्ट वाले पेज पे मैंने ये आपका दिया हुआ है, विरोधी कवि नाजी नजरुल इस्लाम, लूसेंट से डायरेक्टली उठाया हुआ सवाल है और अपने नोट्स में भी था, बट अगेन इसको अपन मीडियम की कैटेगरी में रखेंगे, मीडियम टू हार्ड की कैटेगरी में, क्योंकि ये चीज याद नहीं आती, मैक्सिमम लोगों का ये गलत ही हुआ होगा, ठीक है ना, जिसने डायरेक्टली ऐड कर रखा है वही कर सकता है। देखो ये मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया है, डॉक्टर मेहता अकेडमी पे शेयर हुआ था ये आपका 28 जून को, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 फेमस निकनेम ऑफ द पर्सन, और फेमस निकनेम में सबसे लास्ट वाला जो है 28 जून को शेयर किया हुआ है, अभी भी जाके आप देख सकते हो, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। 76 एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि भाई अशोकन पीलर कहां कहां मिलते हैं, तो ये सारी लोकेशन अपने देखे हुए हैं, सांची, सारनाथ, लोरिया, नंदगढ़, अमरावती, एनसीईआरटी में भी दिया है, ऑल ऑफ द अबव, दी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर देखो हमजा नामा, ये आपके डायरेक्टली नोट्स में भी है, एनसीईआरटी में भी है, अगर आप नोट्स भी देखेंगे एंशियंट क्लासरूम के जो नोट्स है एंशियंट इंडिया के, पेज नंबर 55 पे डायरेक्टली लिखा हुआ है, हमजा नामा किस किस की थी, सैयद अली एंड अब्बास सामद, दोनों नाम आपके दिए हैं, एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है, एनसीईआरटी हमारा एक स्टैंडर्ड सोर्स था, जो मैं बार बार आपसे बोलता रहता था कि और कुछ करो ना करो एनसीईआरटी तो साथ साथ करनी ही है, और ये हमने डिस्कस भी किए हुए हैं, तो ये आपका रहेगा ही। बट ये क्या इजी की कैटेगरी का सवाल है? नहीं, ये हार्ड की कैटेगरी है, ये आपके याद नहीं आते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन होता है इन सवालों में, कंफ्यूजन होता है, इनको इजी नहीं बोल सकते। हिस्ट्री के जितने सवाल दो आपके नोट्स में से भी रहेंगे, आपके एनसीईआरटी में से भी रहेंगे, पर वो इजी नहीं रहेंगे कभी भी, ये उतना रियल टाइम में इस चीज को याद करना इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, नेचुरल नहीं याद आते, तो नहीं याद आते। अब देखो ऑफिशियल लैंग्वेज सतवाहना, ये अपन ने लूसेंट में भी डिस्कस किया था, एंशियंट के आपके नोट्स में पेज नंबर 62 में डायरेक्टली ये दिया हुआ है प्राकृत लैंग्वेज, ठीक है, लूसेंट में भी ये दिया हुआ है, ये हमने किया हुआ है आपके क्लासरूम के नोट्स में से, सतवाहना एज की कौन सी लैंग्वेज है? प्राकृत, ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्टली है। अब ये देखिए, ये मैंने आपको याद करवाया था, चार हरप्पन उनकी ट्रिक बना के याद किया था अपन ने, कुली, नल, कुत्ता, ठीक है, जोब, कुली, नल, कुत्ता, जोब, ये चार चीजें अपन ने याद करी थी हरप्पन कल्चर की, अफगानिस्तान की जो साइट उधर मिल रही थी, ठीक है, तो देखो जोब ही है इसमें, नॉट ए प्रोटो हरप्पन, तो ये ऑब्वियसली अपने अपन को अगर वो ट्रिक याद होगी, कुली, नल, कुत्ता, जोब, जो मैंने आपको लूसेंट में भी याद करवाई है, राउडी में भी याद करवाई है, ठीक है, मैराथन में भी ये सवाल करवाएगा, तो अगर वो आपको याद रहेगा तो आप ऑब्वियसली डी को मार्क कर दोगे, आपको ये पता भी नहीं है तो भी आपका काम चल जाएगा। तो इसलिए आप पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि मैंने जो पढ़ा हुआ है याद किया हुआ है, क्या मैं उसमें से एलिमिनेट भी कर पा रहा हूं? इफ यस देन इट इज इजी। जॉब ये चारों के चारों मैंने आपको याद करवाए थे, ठीक है, और ये ट्रिक्स ही काम आते हैं, बट एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। ये क्वेश्चन हमारे नोट्स में से नहीं है,
कि भाई फारूक सैयर के टाइम पे कौन था, ये है जॉन सरमन, ये उनके रॉयल चार्टर इनको दिया था। फारूक सैयर ये टफ कैटेगरी का हार्ड क्वेश्चन है, काफी लोगों ने रॉबर्ट क्लाइव मार किया होगा, थॉमस रॉ आप एलिमिनेट कर सकते हैं ठीक है, बट यहाँ पे जॉन सरमन इसका राइट आंसर है। इट इज नॉट फ्रॉम अवर नोट्स एज फार एज आई नो, तो ये हमारे नोट्स में से ये सवाल नहीं है। फिर देखो ये सारे के सारे मैंने याद करवाए थे आपको, जैसे ये हमारे मैराथन क्लास के हैं, रामोसी राम में चित बसते हैं ठीक है, चित में राम बसते हैं, ऐसे मैंने याद करवाया था। रंगपुर चलो नहीं भी पता है, कॉल अपराइजिंग बुद्धू भगत ये भी अपन ने याद किया था। देखो यहाँ पे संथाल अपन ने देखा था, सिद्धू और कहानो, सिंपल क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बिरसा मुंडा दिया है, मुंडा किसका था, मुंडा रिवोल्ट का, तो क्या ये इसका आंसर हो सकता है, नहीं। और आपसे सिंपली वही पूछा है, इजी कैटेगरी का ये सवाल रहेगा, इनकरेक्टली पेयर्ड ऑब्वियसली संथाल रेबेलियन किसका, मुंडा रिवोल्ट का ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 81 आपका यहां से हो जाएगा, और ये आपका 81 इजी कैटेगरी का सवाल रहेगा। देखते ही मुंडा रिवोल्ट का है, संथाल तो ऑब्वियसली मैच नहीं करेगा, ये तीनों अगर आपको नहीं भी पता है तो भी क्या आप इसका आंसर कर पा रहे हैं, डेफिनेटली यस ठीक है, तो ये इजी सवाल है। फिर देखो अरहर मोमेंट सिर्फ ये स्पेक्ट्रम में भी डायरेक्टली है, और अरहर मोमेंट अपने नोट्स में भी था, बट यहाँ पे देखो एक ही चीज इसके बारे में अगर आपको पता है, ये अलीगढ़ मोमेंट के अगेंस्ट हुआ था, अपन ने इनके लीडर्स देखे थे कौन कौन थे, बट अगर आपको कुछ भी नहीं पता है सिर्फ यही पता है स्टेटमेंट फोर देखो सपोर्टेड द लॉयलिस्ट पॉलिसी ऑफ अलीगढ़, नहीं इसका यही पेक्युलर फीचर था कि इसने सपोर्ट नहीं किया था, अपोज किया था, जैसे ही आप फोर को हटाते हैं क्रॉस करते ही फोर गया फोर गया फोर गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर मुझे ऊपर वाली तीन नहीं भी पता है, जो एक जर्नल आदमी पढ़ रहा होता है ना तैयारी के दौरान पे, तो वो आराम से इसको आइडेंटिफाई कर सकता है कि अरहर मोमेंट इसके अगेंस्ट था, इसको सपोर्ट करते हुए नहीं था, तो ये आपका हो जाएगा 82। बट इसको अपन मीडियम की कैटेगरी में रखेंगे, मेरे हिसाब से मीडियम कैटेगरी का है, इजी तो नहीं बोल सकते ठीक है। सूफी संत इट इज वेरी वेरी हार्ड क्वेश्चन, बट ये सारे अपने नोट्स में मैंने बताया था, देखो याद करवाए थे आपको कि ये इसका वो था बाबा फरीद आपका निजामुद्दीन औलिया का था, बट हम इसको सीधा सीधा नहीं बोल सकते, नोट्स में सारी चीजें दी हुई हैं, बट क्या वो याद आएंगी, याद नहीं आती हैं, तो इसीलिए वो सवाल गलत भी होते हैं, भले ही से सारी चीजें नोट्स में हो चाहे कितने ही डिफाइंड हो, बट ये बहुत ही हार्ड आपका सवाल रहता है। इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, सबसे पहले अपने आए हैं आपके सिजगी आए थे सबसे पहले, देन आपके बाबा फरीद और इनका जो डिसाइपल था निजामुद्दीन औलिया था, और सबसे लास्ट में चिरागे दिल्ली आपका आया था, बस ये याद रखो, तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, बस इतना ही कहना चाहता हूँ ठीक है। स्टीफन्स वाला जहां तक मुझे याद है मैंने आप लोगों को नहीं करवाया था कि भाई किसने स्टीफन्स को असैसिनेट किया था त्रिपुरा में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ त्रिपुरा, इसका करेक्ट आंसर है शांति एंड सुनिधि चौधरी, तो ये मैंने आप लोगों को नहीं करवाया था, बाकी सारी चीजें मैंने करवाया था, सो इट इज नॉट कवर्ड बाय मी, ये सवाल मैंने नहीं करवाया था, ये भी मैं मान रहा हूं, ये डायरेक्टली मैंने बार बार आपको करवाया था, सिंगल लाइनर में है, गजनवी के टाइम पे कौन थे, तोमर वंश, ये अपने देखा हुआ है, सिंगल लाइनर मैंने करवाया था तोमर वंश ठीक है, तो ये भी अपने नोट्स में से है। फिर देखो ये भी मैंने आपको करवाया था, नामदेव कहां से है, महाराष्ट्र से, ये भी बताया था महाराष्ट्र की जगह गुजरात रहेगा, वो एलिमिनेट करेंगे, और ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको गुजरात दिया गया और महाराष्ट्र की जगह, तो ये आपका रहेगा 86 ठीक है। बाकी स्टेटमेंट अपने को पता भी नहीं हो, वैसे मैंने आपको बताया था विठल के नाम से ये बोलते थे, टेलर थे, और अबंगास, ये सारी की सारी स्टेटमेंट मैंने अबंगास भी दे रखे हैं नामदेव के नाम से, ये भी आपको क्वेश्चंस में प्रोवाइडेड है ऑलरेडी ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा 86 का सी, जैसे ही आप गुजरात का एलिमिनेट करते हैं, दो गया तो सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है। ये सारे के सारे लोकेशंस मैंने आपको करवाई हुई थी, अतिरापक्कम तमिलनाडु की है, भीमबेटका आपकी एमपी की है, पिकलीहाल चलो मान लेते हैं पिकलीहाल याद नहीं आ रहा, भुरजौम मैंने आपको बार बार बताया कश्मीर, तो सबसे नॉर्थ में कौन सी होगी, भुरजौम, एस मतलब सबसे नॉर्थ में, और पी अतिरापक्कम सबसे साउथ में, और एस और पी आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, एस और पी, तो आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये अगर हम अपने को नहीं भी पता है बीच वाले, तो भी अपना काम चल रहा है, तो आप इसको कर सकते हैं, तो 87 ठीक है, तो ये भी अपना इजी कैटेगरी का सवाल रहेगा, दिमाग लगाने की जरूरत रहती है, एनसीईआरटी में डायरेक्टली दे रखे हैं। ये सवाल मैंने आपको करवाया था इक्तदार से इजारदार, एज इट इज मैंने बताया था कि भाई वहां पे कॉन्ट्रैक्ट सबसे हाईएस्ट बिडर को दिया जाता था इजारदार सिस्टम में, और वहां पे जो आपकी लैंड रहती थी उसको क्या बोलते थे, इजारा, तो इजारा ही आपसे पूछा गया है, तो 88 का क्या आंसर आ जाएगा, डायरेक्टली डी, इजारदार सिस्टम और इजारा डी ठीक है। फिर हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है वो है कि भाई मनसबदारी सिस्टम, ये डायरेक्टली क्लास का सवाल है, सिंगल लाइनर जत और सवार मैंने लिख के बताया था, और जत और सवार में ही आगे आपकी डेफिनेशन आती थी, ये डायरेक्टली सवाल हमारे क्लास में से है, यू का यू सिंगल लाइनर राउडी एंड मैराथन ठीक है। ये देखो रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम आपका जो है, हमने क्या, मैंने आपको क्या बताया था, परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस के तीन चार अपने याद किए थे, चौकी उसकी थी, सिविल सर्विसेज उसकी थी, और आपका परमानेंट सेटलमेंट भी उसका था, तो स्टेटमेंट वन देखते ही गलत हो रही है, यहां लिख रहा है वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस किया, नहीं कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, 90 का अपना आंसर हो जाएगा
ए और ये आपका इजी कैटेगरी का सवाल रहेगा। फिर पिट्रा डूरा मैंने बार बार आपको बताया था कि भाई ताजमहल में यूज करी गई थी, बट उससे पहले ही जो आपका बीबी का मकबरा वो बनाना चाहता था उसमें भी ये कर रहा था। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि कलर पैटर्न वहां पे डाल देते थे, डिप्रेशन होते थे उसमें, मार्बल में रहता था। तो ये एक इजी कैटेगरी का सवाल है। 91 का आंसर क्या रहेगा? बी। ठीक है, पिट्रा डूरा अपन ने किया हुआ है। देखो ये कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, देखते ही क्या लगता है कि इसके चारों के चारों पता होना चाहिए। नहीं, मैंने आपको पॉलिटी में बार बार समझाया था, पहले आया केशवानंदन भारती केस, केशवानंदन भारती के बाद में आया मिनर्वा मिल केस। मिनर्वा मिल में अपना क्या आया था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का बैलेंस, जबकि केशवानंदन भारती में बेसिक स्ट्रक्चर आपका आ गया था। अब देखो फोर तो पहले आया है और वन बाद में आया है, सिर्फ अगर सिर्फ इन दोनों को ही देखने लग जाओ कि फोर आपका पहले है वन बाद में है, कहां पे है, यहां पे देखो वन और फोर है, ये नहीं हो सकता, वन और फोर ये भी नहीं हो सकता, वन और फिर फोर ये भी नहीं हो सकता, फोर पहले यहां पे है वन बाद में यहां पे है, एक ही ऑप्शन है, ओनली बी ही ऑप्शन है। अगर आपको सिर्फ कॉमनली एयर याद रखने की कोई जरूरत नहीं थी, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही पता है कि पहले केशवानंदन भारती आया है फिर मिनर्वा मिल आया है, जो हमने बार 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 पॉलिटी में डिस्कस किया है, पता नहीं कितनी बार मैंने आपको करवाया हुआ है ये चीज कि भाई ऐसे ही। तो सिर्फ जैसे ही आपने स्मार्टली इसको देखा बी आंसर हो रहा है, क्योंकि बाकी सब में मिनर्वा मिल को पहले ले रखा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बट अभी देखने में थोड़ा सा इजी लगते हैं, बाद में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। ये क्वेश्चन देखिए, फाइनेंशियल बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा, यस। लोकसभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, यस, बट ये रीजन नहीं है, अपना अलग रहेगा, तो एक्सप्लेनेशन नहीं, बट दोनों स्टेटमेंट आपकी ट्रू रहेंगी। ठीक है, लोकसभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो ये आपका बी आंसर इसका हो जाएगा, सिंपल। फिर हमारा ये सारे देखो पॉलिटी वाले मैंने बस इजी की ही कैटेगरी में डाले हैं, सॉवरेनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी मैंने सारी फंडामेंटल ड्यूटीज आपको याद करवाई थी, उसमें कहा भी था कि भाई डिफेंड अपॉन कॉल्ड अपॉन और हमें सॉवरेनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी बचाए रखनी है। तो ये हमारी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी। दो ये आपके देखो ये टर्म्स आपके प्रीएम्बल में यूज्ड हैं, बट देखो नोशन ऑफ अपहोल्डिंग, इंडिविजुअल को अपहोल्ड करनी होती है ये, तो नोशन ऑफ अपहोल्डिंग में क्या आंसर जाएगा अपना, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये अपना डायरेक्टली डिस्कशन में से है, ये भी मेरी पॉलिटी की क्लास जो मैराथन की अपनी क्लासेस थी उसी में ही था, लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटरनिटी फ्रेंच रिवॉल्यूशन रशियन से अपन ने जस्टिस लिया था, ये सारे के सारे क्लासेस में अपन ने मल्टीपल टाइम्स इन डेप्थ मतलब इनफाइनाइट टाइम्स डिस्कस कर हुए थे। ये हमने शेड्यूल वन जो आपका रहता है आर्टिकल वन सॉरी उसमें इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, ये बार बार मैं जब भी बोलता था यूनियन और टेरिटरी की बात करता है आर्टिकल वन, और उसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन यूनियन, ठीक है, फेडरेशन नहीं है। तो ये सीधा सीधा सवाल पूछ ले इंडिया दैट इज भारत, तो ये इजी क्वेश्चन था, तो ये आपका हो जाएगा। फिर आपका आ रहा है 97, तो ये हमारा डीपीएसपी होती है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, क्योंकि स्टेट को करना होता है, तो ये है आपके एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो आंसर क्या रहेगा, बी। ठीक है, फिर ये हमारा देखो ये अपन ने देखा था एनी सिटीजन जो मूव कर सकता है, ये अपने बार बार मैंने आपको बताया हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32, और हमारा अगर अपन हाईकोर्ट में जाते हैं तो आर्टिकल 226, डायरेक्टली सिंपल क्वेश्चन है, हर जगह लक्ष्मीकांत और बार बार डिस्कस किया हुआ है, एंटी डिफेक्शन और ये सारे शेड्यूल मैंने आपको याद भी करवाए थे। तो देखो लैंग्वेज अपने क्या देखा था, 8th में है, सारी लैंग्वेज भी मैंने आपको याद करवाई थी, 21st अमेंडमेंट, 71st अमेंडमेंट, 92nd अमेंडमेंट, सिद्धू बदमाश कमीना बदमाश, ये ट्रिक बना के भी अपने याद किया था, एंटी डिफेक्शन अपन ने देखा था 10th में। जैसे ही आप इन दोनों को मैच करते हो इसको 4 से और इसको 2 से, आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी आंसर। ठीक है, A4 B2 C5 D1 एंड E3 99, ये इजी सवाल है। अब देखो इसमें स्टेटहुड, इसमें अगर आप सोचोगे कि सारे पता होना चाहिए, नहीं, आपको हरियाणा का पता है 1966, सिक्किम अपन ने बार बार डिस्कस किया था 35वें अमेंडमेंट से 36वें अमेंडमेंट से, और 1975 में आपका सिक्किम बना है। अगेन सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहां पे हरियाणा पहले है सिक्किम बाद में है, और वो ऑप्शन है अपना बी ऑप्शन, बाकी में देखो हरियाणा बाद में है, इसमें भी हरियाणा बाद में है सिक्किम के, इसमें भी हरियाणा बाद में है सिक्किम के। तो आपको सारी नॉलेज नहीं होनी चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ अगर इतना भी पता है कि भाई हमारा ये रहेगा, ठीक है, तो ये उसके हिसाब से अपन कर सकते हैं इसको इजीली कि भाई हरियाणा में ये है सिक्किम में ये है। तो ये अपना डिस्कशन रहा, अभी मैं बता देता हूं, देखो इजी की कैटेगरी में मेरे हिसाब से इस पेपर में 45 से लेकर 47 सवाल ऐसे थे जिनको इजी की कैटेगरी में रखा जा सकता है, बट इजी की कैटेगरी में भी आपके 4-5 सवाल तो गलत होते ही हैं सिली मिस्टेक्स के कारण। मीडियम के कैटेगरी में अपन रखेंगे 33 से लेकर 35 तक के सवाल, और उसमें आपके 30 से 40% के बीच में करेक्ट रहते हैं, 33% अपन मान लेते हैं कि 1/3 एक स्टूडेंट करेक्ट कर पाएगा, 1/3 to 40%। हार्ड के कैटेगरी में 20 रहेंगे, इनमें करेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो ये हमारा ब्रेकअप रहेगा। अब मैं दिखाता हूं आपको पिछले साल की जो हमारी कट ऑफ थी, देखो जनरल की जो कट ऑफ थी 130, बीसीबी की जो कट ऑफ थी 129, बीसीए की जो कट ऑफ थी 115, एससी की कट ऑफ 105, एक्स सर्विसमैन जनरल 104, एक्स सर्विसमैन एससी 72 और एक्स सर्विसमैन बीसीए 87।
अब इसके हिसाब से मेरा जो अभी तक का यूपीएससी का एक्सपीरियंस रहा है, इस टाइप का जो पेपर रहता है उस टाइप के पेपर में आपके जो मोटा मोटा कट ऑफ जो रहती है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेल, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट हम अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि यूपीएससी में अगर ऐसा पेपर आता जिसमें 45 से इतने अगर इजी रहते हैं और मीडियम रहते हैं और हार्ड की कैटेगरी के इतने सवाल रहते हैं, तो 110 और 100 के बीच में कट ऑफ जाती है, यानी 100 से 110 के बीच की कट ऑफ जाती है। यूपीएससी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है तो कट ऑफ आपकी 95 भी चली जाती है, जो आजकल देखने को मिल रहा है। तो 100 और 110 यानी स्कोर अपन बात करें 50 से 55 एक सेफ स्कोर मेरे हिसाब से रहेगा। ट्रिकी पेपर बोलेंगे, इजी नहीं बोल सकते, कंप्लीटली ऑन द लाइन ऑफ यूपीएससी। ज्यादातर जो हमारे एचपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो इस तरीके से तैयार नहीं करते। क्लासरूम के स्टूडेंट्स उनके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, नो अबाउट इट, उनके 70 भी बन रहे हैं, 65-70 की रेंज में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, 80 की भी रेंज में है, बट सारे स्टूडेंट उस रेंज में नहीं हो सकते, ठीक है। तो आप हम एक जर्नल के हिसाब से बात करेंगे, बाकी हमारे पास सारा डाटा तो है नहीं तो हम सारे तो नहीं बता सकते। बट मेरे हिसाब से अगर आपके ये मार्क्स बन रहे हैं तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए कि भाई अगर आपके 50 से 55 इज मिनिमम के भी 50 से ऊपर अपन मान सकते हैं, ये थोड़ा डाइसी रहता है। मेरे हिसाब से अगर आप 50 की रेंज में हैं, 50 से ऊपर हैं, 55 अबव इज गुड कि भाई आप तब तक शुरू कर ही दो। देखो कट ऑफ अब मैं अपने हिसाब से अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारे लोग कमेंट भी करेंगे कि सर ये है वो है व्हाटएवर, इट डज नॉट मैटर, ठीक है। बट मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है कि भाई अगर 55 बन रहे हैं तो डेफिनेटली स्टार्ट कर दीजिए, 50 बन रहे हैं तो भी स्टार्ट कर दीजिए, दैट इज योर विश। बट क्योंकि 100 और 110 यूपीएससी में अगर 100 और 110 देखने में कम लग रहे हैं मार्क्स, बट अगर अपन यूपीएससी की लाइंस पे इसको कन्वर्ट करते हैं 200 में तो 100 और 110 अच्छे मार्क्स होते हैं। 100 और 110 100 में से कम लगते हैं, बट अगर यूपीएससी के हिसाब से देखें तो 100 और 110 हाँ गुड स्कोर। तो इस पेपर के हिसाब से पहली बार आया है हरियाणा में ऐसा पेपर, तो एवरीबडी इज नॉट प्रिपेयर। काफी लोगों से मेरी बात हुई भी है जो ऑलरेडी काफी बार पेपर दे चुके हैं, उनके 60s की रेंज में, मतलब यूपीएससी इंटरव्यू मल्टीपल टाइम्स जो लोग दे चुके हैं उनके 60s की रेंज में है, तो सारे के सारे ट्रेंड से जाते हुए मेरे हिसाब से अगर जनरल में आपके 50 से 55 है तो आप तैयारी शुरू करें। बीसीए में भी लगभग सेम कट ऑफ रहती है पिछले उसके एनालिसिस के हिसाब से, तो भी अगर आप 50 से 55 में है तो तैयारी शुरू करें। बीसीबी में 45 से 50 में है तो तैयारी शुरू करें। शेड्यूल कास्ट में अगर आपके 40 से 45 या उससे अबव बन रहे हैं तो आप तैयारी शुरू करें। ईएसएम जनरल 40 से 45 है तो तैयारी शुरू कर दें। ईएसएम बैकवर्ड क्लास 37 to 40 अगर आप उससे ऊपर मार्क्स बन रहे हैं तो आप तैयारी शुरू करें। देन ईएसएम शेड्यूल कास्ट अगर आप 35 से 37 के बीच में है तो आप तैयारी शुरू करें। मेरे हिसाब से इस स्कोर पे आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब वो कैसे करना चाहते हैं वो आपकी अपनी इच्छा है, ठीक है। अब मेरे पास पूरे हरियाणा का डाटा है नहीं, हमारे क्लास के जो स्टूडेंट है प्लस जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस था उसी के हिसाब से मैंने आपको बताया है। तो इसमें मैं भी एक आदमी हूं, वी आर ऑल ह्यूमन बींग, गलती होने का चांसेस सबसे रहता है, बट मैं आपको कोई भी गलत चीज नहीं बताऊंगा, वो मेरे उसूलों के भी खिलाफ है, क्योंकि मतलब वी आर यही प्रिंसिपल्स होते हैं जो एक आदमी को दूसरे आदमियों से अलग करते हैं। मैंने ना ही कभी झूठ बोला सीखा है मैं, मतलब और ना ही इस चीज को मैं प्रमोट करता हूं। गलत चीजें कभी भी नहीं होनी चाहिए, मिस गाइडेंस भी कभी भी नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज को लेके किसी को भी, ठीक है। ये आपको लॉन्ग टर्म में कभी भी बेनिफिट नहीं करती है ये सारी चीजें। अब मैं आपको बता देता हूँ एचसीएस मेंस का जो बैच है डॉक्टर मित्र, मतलब यहाँ पे अपन जो शुरू कर रहे हैं दोनों बैचेस की डिटेल मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपके कोई भी डाउट है वो अपन ले लेंगे। ये अभी अपना शुरू होने वाला है 20 तारीख से, ठीक है। इसमें अपन 200 मार्क्स की आपकी जीएस रहेगी, 300 टॉपिक अपन कवर करेंगे, जैसे अपन ने जीएस में कवर अप किया था राउडी रिवीजन वैसे अपना रहा था। यहाँ पे 300 टॉपिक में टारगेट करके चल रहा हूँ, दी मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक पिछले 5 से 6 साल में जो आपके न्यूज में रहे हैं, थीम बेस्ड सारे के सारे सब्जेक्ट अपन कवर करेंगे, थीम बेस्ड यूपीएससी के ही तर्ज पे। पिछले बार का जो मेंस था आपका वो एग्जैक्टली यूपीएससी लाइंस पे ही था और इस बार भी वैसा ही रहेगा, थीम बेस्ड कवरेज रहेगी। सारे के सारे जो भी टॉपिक्स हैं आपको उनके नोट्स में मिलेंगे, आंसर राइटिंग अपनी रहेगी डेली 2 क्वेश्चन और अगले दिन मैं आपको उनके मॉडल आंसर भी बता दूंगा, बट चेकिंग नहीं हो पाएगी, ये चीज ध्यान रखेंगे। स्टार्टिंग डेट हमारे बैच की रहेगी 20 सितंबर 2021। रेस्ट ऑफ द डिटेल मैं आपको सैटरडे को बताऊंगा। सारे नोट्स आपको मिलेंगे, टाइप नोट्स रहेंगे, सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। 90% मैं टारगेट रख रहा हूं, ठीक है, इसमें से आपका कवर किया जाए। लाइव क्लासेस रहेंगे, सारे क्लासेस मैं ही लूंगा, ठीक है। कुछ हो सकता है कि भाई टाइम और उसके हिसाब से हो सकता है रिजल्ट आपका अगर जल्दी आ जाए तो हम इनकी रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड करा दें। 20 सितंबर तक 20% ऑफ है और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे रखा है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी डायरेक्टली उस पर जाके कर सकते हैं, तो आप इजिली उसको एनरोल कर सकते हैं। सारे के सारे फीस डिटेल 20% ऑफ रहेगा आपका आने तक। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, मेंस वाला स्टफ जो है उसमें बहुत ही ज्यादा आपका रहता है, तो उसी हिसाब से इसके जो प्राइसेस हैं वो रखे गए हैं। बट कोई स्टूडेंट अगर चाहते हैं कि सर इंस्टॉलमेंट्स प्लस इफ आपको रिक्वायरमेंट है डिस्काउंट की,
आप उतना पे नहीं कर सकते हैं तो आप अकेडमी पे कॉल करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही सोशियोलॉजी मेंस का बैच है, सोशियोलॉजी भी आपका 200 नंबर की रहेगी, सारे की सारे क्लासेस मैं लूंगा। सोशियोलॉजी हमारा पुराना बैच चल रहा है, ऑलरेडी थिंकर्स आपके हो चुके हैं, तो जो नए स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं उनको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, रेस्ट ऑफ द टॉपिक सारे लाइव क्लासेस रहेंगे, मेरे खुद के नोट्स मिलेंगे, हैरल ओलंपस आपको पढ़नी है, नितिन सांगवान सर की बुक पढ़नी है, विकास रंजन सर के पढ़ने हैं, करंट अफेयर से आपका लिंकेज करा के कवरअप कराया जाएगा, सारे क्लासेस कौन लेगा, मैं ही लूंगा, ठीक है। तो ये अपना रहेगा 90% कवरेज मेरा टारगेट रहेगा कि आपसे करवाया जाए, और मतलब यूपीएससी के ही पैटर्न पे जो भी अभी तक का एक्सपीरियंस है उसी हिसाब से ही अपन चलेंगे, तो ये माय प्रॉमिस। एंड हिंदी और इंग्लिश के जो बैचेस हैं उनकी भी अनाउंसमेंट जल्दी करेंगे, क्योंकि आपके 100-100 नंबर के वो रहते हैं, हिंदी और इंग्लिश भी आपकी सारी कवरअप कराई जाएगी। जो लोग मेंस का बैच ज्वाइन करेंगे तो वो लोग कर सकते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है यूपीएससी बैच वाले जो हैं, या फिर जिन्होंने प्री और मेंस कंबाइंड बैच ज्वाइन किया था उन्हें ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, सिर्फ नए स्टूडेंट्स ही ज्वाइन करेंगे। हाउ टू ज्वाइन लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, दोनों का ही, सोशियोलॉजी बैच का भी और आपके मेंस के बैच का भी, ऐप आपके एंड्रॉइड और एप्पल पे भी है। अब जो नया फीचर है आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, लैपटॉप पे भी देख सकते हैं, वो एक्सेस आपको दे दी गई है, वो नीचे मैंने बता दिया है, क्लास प्लस करके आपको दिख जाएगा, उसमें आप लॉगिन कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट और वहां से आप एनरोल कर सकते हैं, और आप कॉल कर सकते हैं 9996337109 पे, सोनू जो है जो मेरा असिस्टेंट है वो आपका कॉल उठाएंगे और फिर उसके बाद अपना काम चलेगा, ठीक है। सो सी यू ऑन द 20th के बाद अपनी क्लासेस शुरू हो जाएंगी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बिकॉज एक्सपेक्टेड ये है कि जो आपका रिजल्ट है वो जैसा अभी आया था न्यूज में भी कि भाई इस महीने आ सकता है, सो देयर आर प्रीटी गुड चांसेस। और मेरे हिसाब से जो मेंस आपका दिसंबर या जनवरी में आपका मेंस रहेगा, कम टाइम है, 20 से अपन क्लासेस शुरू कर देंगे और लगातार अपन उसी हिसाब से जैसे अपन ने प्री की अच्छे से तैयारी करी थी तो वैसे ही अपन तैयारी करेंगे, ठीक है। एंड आई डोंट थिंक कि उसके बाद क्या रहेगा, ये जो आपको बताना था वो मैंने बता दिया है। अब सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अभी आई डोंट थिंक कि कोई अपना इसके अलावा, देखो तैयारी शुरू करना आपके हाथ में है, आप अपने हिसाब से अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए करें ना करें वो आपकी इच्छा है, नोबडी कैन फोर्स यू, और आप जो भी बात मानना चाहते हैं वो मान सकते हैं, नहीं मानना चाहते वो नहीं मान सकते, ठीक है। तो ये आपका अपना रहेगा, सब अपने इंडिविजुअल लेवल पे चल सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, अभी सोशियोलॉजी और जीएस मेंस का मैंने आपको बता दिया है, हिंदी इंग्लिश का नेक्स्ट में रहेगा, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे फिट स्टे हेल्दी, गुड बाय एंड जय हिंद।